हेलो एवरीवन वेलकम टू गेट वाला आई होप सभी लोग बढ़िया से गेट 2023 की तैयारी कर रहे हैं और कल हम लोग ने इरीगेशन शुरू किया था आज हम लोग उसको कंटिन्यू करेंगे ठीक है कल पहला चैप्टर हम लोग ने अच्छे से देखा था टाइप्स एंड मेथड्स ऑफ इरीगेशन आई होप सभी लोग को बढ़िया से सारे टाइप्स एंड मेथड्स अच्छे समझ में आगे होंगे एक बार कोई रिकैप कर लेते हैं बातों की बातों में उसके बाद तब तक सारे बच्चे ज्वाइन हो जाएंगे फिर हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे आज एक बहुत बेहतरीन क्लास होने वाली है जिसके अंदर हम लोग सॉयल मॉइस्चर का रिलेशनशिप समझेंगे सॉइल मॉइस्चर कॉन्स्टेंट्स को जानेंगे और कई सारे क्वेश्चंस बनते हैं कई सारे न्यूमेरिकल्स इस चैप्टर से बनते हैं उन न्यूमेरिकल्स को हम लोग साथ साथ सॉल्व करेंगे ठीक है बढ़िया तरीके से और सभी लोग इसे रिक्वेस्ट है कि सभी लोग अपना आ, पेन पेपर और कैलकुलेटर लेके बैठे ताकि क्वेश्चन को हम लोग साथ ही साथ लगा के एग्जाम के लिए डन करके खत्म कर दें ठीक है तो एक बार बता देंगे यार ऑडियो बढ़िया से आ रहा है कि नहीं आ रहा है सभी को गुड इवनिंग यार कौन कौन जुड़ गए अपने साथ प्रांशु हैं आ रहे हैं आदित्य सिद्धार्थ जोया जोहा और देवराज हल्दर सबको यार सर की तरफ से गुड इवनिंग फटाफट भैया देखो सेशन को एक बार शेयर वेयर करेंगे और फिर अपनी क्लास को हम लोग आगे बढ़ाएंगे ठीक है अच्छा एक बात करते हैं अब बच्चे जुड़ रहे हैं तब तक हम लोग ने कल क्या पढ़ा है भाई <coughs> कल हम लोग ने समझा है कि इरीगेशन की जरूरत क्यों है ठीक है इरीगेशन की नीड क्या है पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है फसलों की रिक्वायरमेंट हम लोग को है क्रॉप्स की रिक्वायरमेंट तो ऑब्वियसली हम लोग क्या करते हैं आर्टिफिशियली पानी को प्रोवाइड करते हैं बहुत सारे एडवांटेज तो हम लोग को कल बताए थे रेवेन्यू जनरेट होता है प्रॉस्पेरिटी आती है ठीक है तो ये सब बेसिक चीजें थे उसके टाइप्स हमने देखा था सरफेस और सब सरफेस पानी सर्फेस के ऊपर डालेंगे तो सरफेस इरीगेशन और पानी अगर हम डायरेक्टली ठीक है पानी अगर हम डायरेक्टली नीचे दे रहे हैं तो हमेशा सब वर्ड लग जाएगा सब मतलब पानी जमीन के नीचे डायरेक्टली रूट्स को अप्लाई किया जा रहा है ठीक है उसमें नेचुरल आर्टिफिशियल था और सरफेस के अंदर फ्लोर लिफ्ट था फ्लो और लिफ्ट को तो बहुत अच्छे से याद कर लो बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है फ्लो और लिफ्ट इरीगेशन कह सकते हैं कि बहुत कॉमनली यूज होता है भी भी इंडिया के अंदर ठीक है तो इसलिए तुमको पता होना चाहिए उसके बाद मेथड्स हम लोग ने देखे थे मेथड्स उन्होंने क्या बात करी थी सारे मेथड्स हमने फ्लडिंग के बारे में बात कर फ्री फ्लडिंग था फिर फ्री फ्लडिंग में कुछ पानी को रोकने की कोशिश नहीं करते तो रन ऑफ परकुलेशन एपोरेन सारे लॉसेस थे बहुत दिक्कत थी फिर बॉर्डर हमारा थोड़ा सा और बेहतर था क्योंकि उसमें हम लोग बॉर्डर बना के पानी को रोकने की कोशिश करते थे एक पट्टी में रखते थे पूरी फील्ड को हम लोग स्ट्रिप्स में बांट देते थे बताया था ना एक टाइम का फॉर्मूला भी था टू पॉइंट थ्री जीरो फिर क्यू मैक्स का एक एरिया मैक्स का फॉर्मूला था क्यू अपॉन एफ तो ये सब तुमको याद रहना चाहिए उसके चेक फ्लडिंग हमने देखी फिर बेसिन फ्लडिंग देखी चेक में क्या था फ्री का बेहतर रूप था चेक्स बनाते थे पूरे फील्ड को छोटे छोटे चेक एरिया से बांटते थे बेसिन में छोटे छोटे बेसिन बनाते थे तो ये सब पानी रोकने की कोशिश की गई फ्लडिंग के थोड़े से और बेहतर रूप फिर हमने फरो देखा जिसमें इवेपोरेशन का लॉस कम हो जाता था फरोज बन जाते तो पानी पूरे खेत में नहीं डालना पड़ता है ना ये बात की थी फिर स्प्रिंकलर और ड्रिप तो बढ़िया थे एकदम स्प्रिंकलर तो आपका सर ग्राउंड वाटर टेबल अगर हाई है तो यूज़ करिए परिटी हाई है तो यूज़ करिए ठीक है लैंड रिटेंस स्टीप है तो यूज़ करिए हर चीज़ में आंसर है स्प्रिंकलर कैस क्रॉप्स है तो यूज़ करिए सारी क्रॉप्स के लिए सूटेबल है मतलब बहुत ही जबरदस्त मेटर था और थोड़ा बहुत नुकसान थे हवा जहाँ पे तेज है वहाँ नहीं यूज़ करते टेम्परेचर ज़्यादा तो यूज़ नहीं करते हैं कोने छूट जाते हैं थोड़ा पैसा ऐसा ज़्यादा लगता है उसमें और ड्रिप इरीगेशन भी सेम ऑलमोस्ट सब कुछ सेम था उसमें रॉडेंट्स या चूहे वगैरह की समस्या रहती थी पाइप्स काट देते थे, थे है ना ये सब चीज़ें हम लोग ने डिस्कस करी थी आई होप सभी को कुछ याद होगा ठीक है आज हम लोग अगले चैप्टर पर चलते हैं जिसका नाम है हमारा सॉइल मॉइस्चर रिलेशनशिप तो इसके अंदर मेनली हम लोग को तीन चीज़ें पढ़नी और एग्जाम में जो क्वेश्चन बनते हैं वो सारे बनते हैं यहाँ से कि पानी की जो डेप्थ है कितनी किसान अप्लाई करेगा कि हमारे पानी को हमारे जो फसल है उनको कोई प्रॉब्लम ना हो ठीक है आज हम लोग पूरा कैलकुलेशन करेंगे बहुत बढ़िया तरीके से साइंटिफिकली सब चीज़ों को समझेंगे ठीक है तो डेप्थ ऑफ वाटर इन रूट जोन हम लोग आज देखेंगे और वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ सॉल और सॉइल मॉइस्चर कॉन्सटेंट्स इनको पहले पढ़ेंगे थ्योरेटिकली फिर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे ठीक है तो फर्स्ट हाफ मतलब शुरू के आधे पौन घंटे हम लोग थ्योरी कवर करते हैं और बचे हुए एक घंटे में बहुत सारे अच्छे क्वेश्चन करेंगे जो हमारे गेट में आ सकते हैं ठीक है तो साथ चलेंगे सब लोग गुड इवनिंग यार बाकी और भी बच्चे जुड़ गए काफ़ी ठीक है चलो भाई तो अब हम लोग शुरू करते हैं अब जिनको जुड़ना होगा जुड़ते रहेंगे तो आज ये मेन तीन टॉपिक हम लोग खत्म करेंगे और टाइम अगर मिलेगा तो हम लोग क्वालिटी ऑफ इरीगेशन वाटर के बारे में भी आज डिस्कशन करेंगे ठीक है तो आज हम लोग का ये फोकस है पूरा क्वेश्चन की प्रैक्टिस आज ज़रूर होगी ठीक है तो सभी लोग अपना कैलकुलेटर पेन लेके बैठेंगे और चलो पहले थ्योरी कवर करते हैं शुरू करते हैं एकदम बढ़िया तरीके से तो कल हमने तुमको बताया था कल क्या बताया था हमने मिट्टी दो प्रकार की है सर कितने प्रकार की दो प्रकार की कौन कौन सी दो एक है हल्की और एक है मोटी नहीं एक पतली और एक मोटी तो मेनली तुम एक बात समझो हम यहाँ पे वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ की बात कर रहे हैं कि सर देखिए है, एक बहुत जरूरी बात बताते हैं आपको क्या है वो जरूरी बात सर मिट्टी जो होती है वो प्लांट के लिए बहुत जरूरी है सर ऐसा क्यों सर प्लांट को हम लोग मिट्टी में ही क्यों उगाते हैं समझने की कोशिश करो हमारे घर में काफी सारे प्लांट्स हैं तुमको हमने बताया था स्टॉक है कई लोगों को हमारे घर में तो यहाँ पे हमारी बॉटलों के अंदर पानी भर के ही प्लांट्स रखे हुए हैं बिना मिट्टी के तो मिट्टी की क्या जरूरत होती है कोई बता सकता है कमेंट करके बताओ तुम लोग यार मिट्टी की क्या जरूरत है आखिर हम प्लांट्स को क्रॉप्स को पेड़ों को मिट्टी में ही क्यों लगाते हैं बताओ कमेंट करो बताओ जल्दी से कमेंट करो कमेंट करेंगे तो कुछ बोल रहे हैं मिनरल्स कुछ बोल रहे हैं न्यूट्रिएंट्स के लिए अच्छा बहुत बढ़िया बिल्कुल सही बोला न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं ठीक है करीब अट्ठारह न्यूट्रिएंट्स होते हैं इसमें लगभग सात हमारे मैक्रो होते हैं बाकी बचे ग्यारह कुछ एग्जैक्ट नंबर हम थोड़ा भूल रहे हैं लेकिन ऐसा ही है मतलब वही समय कैल्शियम मैग्नीशियम ये सब चीज़ें ये हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं जो मिट्टी से मिलते हैं पहली चीज बिल्कुल सही बताई न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं और बताओ दूसरा और क्या बताया जा रहा है बच्चे बता रहे हैं पानी मिलता है बहुत बढ़िया ठीक है, है मिट्टी पानी को होल्ड करती है वो पानी देखो प्लांट ट्रांसप्रेशन करते हैं जितना ज्यादा ट्रांसप्रेशन होगा उतना ही प्लांट की ग्रोथ बढ़िया होगी ठीक है उतनी प्लांट की ग्रोथ बढ़िया होती है उसकी टिश्यू बिल्डिंग बढ़िया होगी और प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी उसका वेट बढ़ेगा ड्राई मैटर बढ़ेगा उसका ठीक है तो बिल्कुल सही पानी हो गया न्यूट्रिएंट्स हो गया और बताओ और प्लांट को एक सपोर्ट मिलता है एक मैकेनिकल सपोर्ट मिलता है मिट्टी से ठीक है तो इन शॉर्ट आपने दो तीन चीजें बताई सर जिसकी वजह से मिट्टी बहुत खास बन रही है ठीक है तो अभी हम न्यूट्रिय और मैकेनिकल सपोर्ट्स की बात नहीं करेंगे हम क्योंकि सिंचाई पड़ रहे हैं हम सिर्फ पानी पे फोकस है अभी ठीक है तो हम पानी के ऊपर चलते हैं अब हर मिट्टी की पानी होल्ड करने की क्षमता अलग अलग है पहले तो एक बेसिक बात करते हैं ये तुमको पता भी होगा ये जैसे हमारा सॉइल होता है तो इसमें जो हमने ये येल्लो से दिखाया ये तो सॉइल के पार्टिकल्स हैं बीच में जो वॉइड्स हैं ठीक है ये तो सबको पता है बीच में जो वॉइड हैं उसमें सर हवा भी हो सकती है पानी भी हो सकती है दोनों चीज़ें वॉय्स में मिक्स रहती हैं ठीक है थीके? तो अब जैसे यहाँ पे तुम देखो ब्लू ब्लू से हमने पानी दिखा दिया और बची हुई ब्लैक जगह जो है वहाँ पर हवा है ठीक है अगर थ्री फेज डायग्राम तुमने सॉयल में पढ़ा हो बहुत सिंपल सी चीज़ होती है अगर इसी को हम थोड़ा सिस्टमेटिक देखो ये तो पूरा बिखरा हुआ है थोड़ा सिस्टमैटिक अगर बनाएं तो ये हमारा सिर्फ सॉइल हो गया ठीक है फिर ये आपके सारे वॉर्ड्स हो गए बचे हुए और इन वॉइड्स में सर अपना हवा भी है और पानी भी है ठीक है हवा भी रहेगी पानी देखो एक बात समझो यार हमको पता है तुम्हें भी हवा पाने की ज़रूरत है भाई जैसे हमारा क्रॉप है उसको भी हवा पानी चाहिए तुम्हें भी चाहिए अब हम तुमको पानी पानी दे दें तुमको हम पानी डुबो दें एकदम तो भी प्रॉब्लम मतलब अगर हम ये सारे वॉइड्स पूरा फिल कर दें तो भी जड़ों को प्रॉब्लम हो जाएगी तो भी हमारी जो रूट्स हैं उनको प्रॉब्लम हो जाएगी मतलब इतना पानी नहीं चाहिए ठीक है और ना ही पूरा हवा चाहिए एकदम सूखना भी नहीं चाहिए जैसे हम लोग हैं वैसे ही उनके साथ भी उनको हवा भी चाहिए उनको नमी भी चाहिए दोनों चीज़ें चाहिए ठीक है बहुत ज़्यादा पानी डालने की जरूरत नहीं होती है ठीक है हम लोग इसको और डी करेंगे आगे तो इन शॉर्ट वॉइड्स में हमको हवा और पानी में बैलेंस बना के चलना है ठीक है सही है ठीक है आगे बढ़ते हैं हाँ थ्री फेजिशन तुमने तो पढ़ा होगा सर इस कोर्स के बाद पी लग जाएंगे बेटा ऑब्वियस ऑब्वियसली बात है यार हर क्वेश्चन का आंसर यस है पहले ही समझ लो ठीक है तुम कोई क्वेश्चन मन में आ रहा है कि इससे ये हो जाएगा वो हो जाएगा तो पहले ही हाल लिया करो ठीक है ये हम कई बार बता भी चुके हैं तुम लोग को चलो सर अब देखो तो वॉइड्स के अंदर ठीक है अच्छा पोरोसिटी तुमको पता होगा कितने वॉइड्स

चलो तुम बताओ ग्रेवल का दाना सबसे बड़ा होता है फिर हमारी सैंड होती है फिर सिल्ट होती है क्ले होती है जरा कमेंट करो जल्दी से बेटा फटाफट हमको ठीक है आज बहुत सारा काम करना है हम लोग को फटाफट बताओ इसमें पोरोसिटी सबसे ज़्यादा किसमें होती है वॉल्यूम ऑफ वाइट अगर हम सबका एक मीटर क्यूब ले लें सबका एक मीटर क्यूब हम सॉइल ले लें वॉल्यूम तो किसकी पोरोसिटी सबसे ज़्यादा होगी जल्दी कमेंट करेंगे बताओ भाई कमेंट करेंगे सबसे ज़्यादा पोरोसिटी किसकी होगी पोरोसिटी को हम लोग ईटा से डिनोट करते हैं तो पोरोसिटी किसकी सबसे ज़्यादा होगी कमेंट करें यहाँ एक सेकंड कमेंट में आ रहा है पोरोसिटी चलो हाँ ग्रेवल की बता रहे हैं क्ले की बता रहे हैं जो लोग क्ले बता रहे हैं वो बिल्कुल सही बता रहे हैं लगता है कि ग्रेवल की ज्यादा है एक्चुअली क्या है ग्रेवल में जो वॉइड का साइज है है ना समझो कोशिश सम... कोशिश करो समझने की ग्रेवल में जो वर्ड का साइज है वो सबसे बड़ा है अगर हम बात करें ग्रेवल में वर्ल्ड के साइज की तो ये सबसे ज्यादा है ठीक है यहाँ पे हम तीन तीन एरो चार हैं हैं इसमें तीन मनाते हैं। इसमें दो और क्ले में वॉइड साइज इतने छोटे हैं तो, तो तुम एक एक दाने का साइज ही नहीं देखो अलग अलग समझ नहीं पाओगे बहुत पार्टिकल एकदम छोटे तो छोटे होते हैं तो वॉइड साइज बहुत छोटे होते हैं अब क्योंकि वॉइड साइज बहुत छोटे हैं तो बहुत सारे नंबर में होते हैं उनकी टोटल वॉल्यूम बढ़ जाती है ठीक है तुमको पता है हाँ नंबर ऑफ वॉइड्स भी क्ले में ज्यादा होता है नंबर ऑफ वॉइड्स ज्यादा होते हैं और वो बहुत छोटे होते हैं ठीक है ये सॉइल का कॉन्सेप्ट है तुम्हें पता रहना चाहिए वॉइड साइज तो ग्रेविल का बड़ा है अब अगर हम तुमसे पूछते हैं ये तुमको पता होगा बेसिक चीज़ें हैं तो तुम बताओ कौन इसमें पानी ज़्यादा होल्ड करेगा कौन पानी ज़्यादा होल्ड करेगा अब देखो यहाँ पे हमको दो तरह के पानी समझने हैं ध्यान से देखेंगे ठीक है अब हमारा जो वॉल्यूम ऑफ वॉइड है सर आप इसमें ऐसा कर सकते हैं या तो पूरा ही पानी से भर दें या पार्शली भर दें या इसको आप ज़ीरो भी कर सकते हैं एकदम ड्राई सॉयल भी हो सकती है तीन केस बनते हैं सिंपल ठीक है या तो एकदम ड्राई पार्शली सैचुरेटेड या कम्प्लीटली सैचुरेटेड ठीक है अब देखो एक बात समझो हमारा जो किसान है ठीक है फार्मर जब वो खेतों के अंदर पूरा पानी भर देगा लबालब उसने क्या करा सारे वॉइड्स में पूरा पानी भर दिया फ्लडिंग में क्या होता है बताओ यार फ्लडिंग करेंगे तो सर सारा वॉइड्स भर जाएगा बढ़िया तरीके से सिंपल सी बात है एकदम ठीक है लेकिन होता क्या है कुछ समय बाद अपने आप थोड़ी देर में कुछ पानी धीमे धीमे नीचे चला जाता है बहुत नीचे बहुत नीचे मतलब एकदम पाताल पाताल नहीं नीचे ग्राउंड वाटर में चला जाएगा ठीक है

अरे ग्रेविटेशनल मतलब वो ग्रेविटी के से नीचे चला गया ना यार नहीं समझ में आ रही बात सिंपल सी बात है एकदम ठीक है और जो रुक गया उसको बोलेंगे रिटेन्ड वाटर क्या बोलेंगे रिटेन्ड वाटर या कैपलरी वाटर तो जो पानी ग्रेविटी के अगेंस्ट रुक जा रहा है फील्ड के अंदर वही है वो कौन है वो वही है कौन वही का मतलब क्या है वो पानी वो है जो जड़ों के लिए अवेलेबल है अब जड़ और मिट्टी के विषयों की लड़ाई अब समझो अब जो पानी रह गया जो पानी रह गया उसको आपने बोला रिटेनड वाटर या कैपलरी वाटर आप बोल रहे हैं ठीक है कैपलरीज मतलब छोटी छोटी फाइन कैपरीज उसमें पानी रुक गया अब लड़ाई शुरू हो जाएगी मिट्टी कहेगी पानी हमारा है जड़ कहेगी नहीं हमको चाहिए है ना अब मिट्टी की और सॉयल की मिट्टी की और जड़ों की लड़ाई चलेगी रूट्स की तो जो पानी अब जैसे मान लो पानी के लिए इतना स्टार्टिंग बचा हुआ है ठीक है इतना पानी रिटेन हो गया तो स्टार्टिंग में तो रूट्स आराम से छीन ले जाएंगी स्टार्टिंग में रूट्स आराम से छीन लेंगे पानी और अपना बढ़िया ग्रोथ करेंगे लेकिन जैसे जैसे पानी का लेवल कम होगा फिर मिट्टी कहेगी हम नहीं देंगे अब मिट्टी के बस बहुत हो गया अब तुम जो ले लियो ले लियो हम इतना लेवल कम कर दिया है एक तो वैसे इतना कम बचा था आधा पानी वैसे नीचे चला गया था जो बचा है उसमें तुम ले रहे हो सब तो हम तो सूख जाएंगे तो कुछ पानी मिट्टी इतना फोर्सफुली पकड़ेगी कि कहेगी रूट्स को ले के दिखाओ तो जाने नहीं समझ में आई बात यह है कहानी तो इन शॉर्ट इस बेसिस पे समझने की कोशिश करो अब जरा इस बेसिस पे पानी को हम लोग ने तीन तरीके से क्लासीफाई किया ठीक है तीन तरीके से क्लासीफाई बहुत ध्यान सुनो बहुत सिंपल कहानी है बहुत सिंपल कहानी है पे एक छोटा सा डायग्राम भी बनाया है बहुत आराम से तुमको समझ में आएगा ये हरे हरे क्या है हरा हरा इस पेड़ सिंपल वेरी सिंपल सर उसके बाद तुम देखो यहाँ पे जड़ दिख रही है सबको ठीक है सब हरा हरा पेड़ दिखाई दे रहा है ये येल्लो येल्लो क्या है सर ये येल्लो येल्लो ये सॉइल के दाने हैं ये हैं सॉइल के दाने ठीक है अच्छा कुछ जब हमने पानी यहाँ भरा तो देखिए सर तुरंत तीन चीजें हो जाएंगी जैसे ही सर किसान ने पूरा पानी फ्लड किया, कियाट करा तीन बातें होंगी सर कितनी बातें बातें होंगी सर? तीन ठीक है? पहली बात क्या हो जाएगी यहाँ पे कुछ पानी देखो ऐसे पा में पोर्स उसको पकड़ के नहीं रख पाए चलिए बात मानी अगला सुनो कुछ पानी ऐसा होगा जो मिट्टी के दानों पर डायरेक्टली चिपक जाएगा एकदम डायरेक्टली एक पतली सी

उन पार्टिकल सॉयल से डायरेक्टली नहीं चिपका है सॉयल से डायरेक्टली नहीं चिपका हुआ है बीच में जो छोटी मोटी जगह वहां पे कैपिलरी फ्रिंज के अंदर रिटेन्ड है वो पानी किसके लिए अवेलेबल है जड़ों के लिए और उसको हम लोग बोलेंगे कैपिलरी वाटर ठीक है इसको हम बोलेंगे कि दिस वाटर इज रिटेंड अगेंस्ट ग्रेविटी ड्यू टू सरफेस टेंशन क्योंकि पतली पतली जगह होती है है ना तो पानी टेंशन में रहता है वहां पर रुका रहता है ठीक है लेकिन जब रूट्स और मिट्टी की लड़ाई चलेगी तो मिट्टी कहेगी हमारा रूट्स कहेगी नहीं पानी हमारा लड़ाई हुई लेकिन लड़ाई में रूट्स जीत जाएंगी और रूट मिल जाएगा और उनकी ग्रोथ होना शुरू हो जाएगी जैसे ही सर यह कम होने लगेगा जैसे 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 ही ऑरेंज वाला पानी आप जो दिखा रहे हैं वाटर कम होने लगेगा ठीक है वैसे ही किसानों को फिर से पानी डालना पड़ेगा ठीक है तो एग्जैक्टली exactly कितना पानी ऑरेंज वाले का कैलकुलेशन क्या होगा किसान कैसे इसको कैलकुलेट करेगा कितनी देर वो मोटर चलाएगा उसका खेत मान लीजिए इतना बड़ा है तो सर कितनी देर मोटर चलानी चाहिए कितना मीटर क्यूब पानी उसे खेत में छोड़ना चाहिए बात समझ रहे हो ये सारी चीज़ें ये सारी चीज़ें आज हम लोग कैलकुलेट करने वाले हैं हमें मतलब है इस ऑरेंज वाले पानी से जिसको हम लोग कैपरी वाटर बोल रहे हैं और इसको हम लोग बोलेंगे अवेलेबल वाटर किसके लिए अवेलेबल है भाई ये पानी सर ये पानी मेरा जड़ों के लिए अवेलेबल है रूट्स के लिए अवेलेबल है प्लांट्स के लिए अवेलेबल है, है। बहुत सिंपल है ठीक है सिंपल एकदम कहानी एकदम सिंपल है ठीक है तो हमको एक बात समझ में आ गई कि कैपेरी वाटर ही वही पानी है जो हमारी जड़ों के लिए प्लांट्स के लिए अवेलेबल है बाकी ये ये बेवफा और ये भी बेवफा जड़ का तो कोई ना हुआ ये तो मिट्टी को भी छोड़ के चला गया ग्रेविटेशनल तो मिट्टी और जड़ सबको गोली मार के निकल गया इसको तो कोई मतलब ही नहीं था ये चलो फिर भी कहो मिट्टी का तो हो गया रूट्स का ना हो पाया तो कम से कम मिट्टी का हो गया और ये जो है ये कुछ समय मिट्टी का रहता है लेकिन जैसे जैसे रूट्स ताकत लगाती हैं जैसे जैसे रूट ताकत लगाएंगी मिट्टी से पानी छिन के जाता रहेगा है ना और अंदर अपना ट्रांसफरेशन चलता रहेगा उनकी ग्रोथ होती रहेगी तो बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है ठीक है अब हम तुमको एक बात बताते हैं बहुत बेसिक चीज़ है देखो हमारा जो मिट्टी है है ना हमने तुमको बताया ग्रेवल और सैंड सिल्ड क्ले सब तुमको पता है दो टाइप की मिट्टी है एक में सर जो पोर्स होंगे वॉइड्स वो बड़े बड़े होंगे बड़का बड़का होगा और एक में छुटका छुटका होगा सर स्मॉल तो देखो बहुत सिंपल है स्मॉल पोर्स अच्छे होते हैं क्यों क्योंकि सर स्मॉल पोर्स के अंदर पानी रुकता ज्यादा है उनकी रिटेंशन कैपेसिटी ज्यादा होती है जैसे कि आपने बताया सिल्ट और क्ले एग्जाम्पल इसका क्या है सिल्ट और क्ले लेकिन जैसे ग्रेवल है ना सर ग्रेवल और सैंड सर ये मुटका मुटका है बड़का बड़का है इनका जो छिद्र है इनका जो वाइड साइज है सर बड़ा है पानी रुकता नहीं है यहाँ पे बड़ी प्रॉब्लम है ठीक है अवेलेबल वाटर की कमी रहती है यहाँ पे तो अगर तुम इनको कंपेयर करो स्मॉल पोर्स और लार्ज पोर्स को ठीक है स्मॉल पोर्स को हम कैपलरी बोलते हैं क्योंकि वहाँ पे कैपरी एक्शन बढ़िया रहता है पानी टेंशन में रुक जाता है यहाँ पे नॉन कैपलरी पोर्स हो जाते हैं ठीक है छुटका बड़का तो ऑब्वियसली इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा है इसकी कम होगी जाहिर सी बात है ठीक है यहाँ पे कैटरिक वाटर जो रिटेन ज्यादा यहाँ पे कम होगा तुम ग्रेवल सैंड में ये देखोगे कि सारा पानी नीचे चला जाएगा सारा पानी परकुलेट कर जाएगा इसके अंदर ठीक है लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होगा बहुत बेसिक बात है स्मॉल पोर्स अगर होंगे जैसे सिल्ट के लिए तो वो पानी रोकेंगे ज्यादा ठीक है क्योंकि इसकी पर्नवल्टी कम होती है इसकी और इसकी पेनोल्टी बहुत ज्यादा इसकी पेनोल्टी इतनी ज्यादा है कि सर पानी तुरंत ही नीचे भाग रहा है बात समझ रहे हो इससे हम लोग पानी को एक्सट्रैक्ट भी कर सकते हैं आराम से क्ले लेकिन ऐसा होता है कि पानी अपने अंदर तो रखेगा बहुत लेकिन देगा किसी को नहीं वो तो रूट्स हैं लड़ाई करके थोड़ा तो बहुत ले लेती हैं ठीक है तभी जो है ये वाली सॉइल ज़्यादा फर्टाइल होती है तुमने कभी भी देखा होगा फसल उग रही है तो क्ले में ही उगती है ठीक है क्ले है सिल्ट हो गई सिल्टी सैंड हो गई बस इतने ग्रेवल लेवल में तुमने कभी नहीं देखा होगा कि पेड़ निकल रहे हैं उसमें है ना तो ये फर्टाइल है और ये इनफर्टाइल है बहुत बेसिक सी बात है तुमको समझ में आती है ठीक है चलो यहाँ पे एक सवाल आ गया है सर कैपिलरी वाटर को फिल्म वाटर बोल सकते हैं नहीं 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 बिल्कुल नहीं बोल सकते हैं फिल्म वाटर जो तुम्हारा है वो तुम्हारा हाइग्रोस्कोपिक वाटर है वो तो सिर्फ सॉइल का हो गया एकदम सॉइल से डायरेक्टली चिपक गया ठीक है वो फिल्म हो गई <coughs> उसके बाद तुम्हारा आ जाएगा ठीक है और फिल्म कई लेयर में बनती है अभी हम तुम उसे और कॉन्सेप्ट और आगे समझाते हैं अभी और समझ में आएगा और स्ट्रक्चर वाटर देखो अलग है स्ट्रक्चरल वाटर हाँ स्ट्रक्चरल वाटर अलग है वो तो सॉइल का पार्ट है वो तो सॉइल के अंदर देखो सॉइल के जो पार्टिकल्स हैं उसका भी तो कुछ कुछ ना कुछ कंपोजिशन है ना ठीक है चलो ये बात तुमको समझ में आ गई होगी ठीक है चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं तो ये सारे डाउट्स हो गए तुम्हारे हाँ तो ये तीन तुमको हमने समझा दी इसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है अब थोड़ा सॉइल मॉइस्चर कॉन्स्टेंट को समझते हैं ठीक है सॉइल मॉइस्चर कॉन्स्टेंट समझने से पहले जैसे हम लोग को दो तो तीन कॉन्स्टेंट जानने हैं बहुत आसान है कुछ टफ नहीं है इसमें उससे पहले हम लोग कुछ सॉइल मॉइस्चर टेंशन और सॉइल मॉइस्चर स्ट्रेस कह समझते हैं देखो जड़ों को पानी ये ये हरा हरा पानी दिखाया हमने ये सॉइल के दाने हैं और ये हमारी रूट्स हैं सिंपल दिख रहा है सबको ये जो रूट्स हैं इनको ताकत लगानी पड़ती है थोड़ी लड़ाई करनी पड़ती है ठीक है फोर्स लगाना पड़ता है ये जो फोर्स है ये जो फोर्स है इसी को बोलते हैं तनाव टेंशन ठीक है सॉइल मॉइस्चर टेंशन सॉइल से मॉइस्चर खींचने में जड़ों को लगाना पड़ता है बल फोर्स लगाना पड़ता है बड़ी दिक्कत है यहाँ वरना रूट्स को पानी नहीं मिलने वाला ऐसे थोड़ी तो फोर्स जो पर यूनिट एरिया लग मतलब फोर्स पर यूनिट एरिया हमारा हो गया स्ट्रेस एक तरह से स्ट्रेस हो गया ठीक है दैट मस्ट बी इन ऑर्डर टू एक्सट्रैक्ट वाटर फ्रॉम द सॉइल बहुत बेसिक बात है मतलब हर रूट को मेहनत करनी पड़ेगी फोर्स लगाना पड़ेगा अब इसी को बोलते हैं सॉइल मॉइस्चर टेंशन अब एक बात समझो यार जब जड़ों को पानी लेने के लिए फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगा तो वो मुरझाने लगेंगी और जब ये फोर्स कम होगा तो वो आराम से पानी लेंगी और ग्रोथ करेंगी कठिन बात बोल दी क्या हमने बहुत ज्यादा भाई सॉयल मॉइस्चर टेंशन जितना कम होगा उतनी आराम से पानी उनको मिलेगा अब सॉयल मॉइस्चर टेंशन बढ़ता कब है सर मुझे कुछ ऐसा बताइए कि सर इनकी मौत कब होती है प्लांट्स की इनकी मौत तब होती है जब सॉइल मॉइस्चर टेंशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा तो रूट बेचारी ताकत लगाएंगी पानी मिल पर नहीं करेगा दिक्कत होगी ना भाई पानी मिलेगा ही नहीं प्रॉब्लम तो अब यहाँ पे हमको जरूरी है समझना कि सॉयल मॉइस्चर टेंशन तभी बढ़ेगा जब पानी की कमी होगी तो बिल्कुल कमी मत होने दो कम जैसे ही पानी बहुत नीचे आने लगेगा लेवल उसका कम होगा

जैसे तुम समझो कि ये जड़ के अंदर की बात है ठीक है जड़ के अंदर पानी की मात्रा ज्यादा होती है और नमक कम होते हैं ठीक है ठीके? जड़ के अंदर की बात और जड़ के बाहर मिट्टी की अगर हम बात करें तो मिट्टी में पानी कम है और सॉल्ट अगर ज्यादा है ऐसा हो गया तो पानी जड़ों से बाहर आ जाएगा ये ऑस्मोसिस होता है ठीक है ऑस्मोसिस मतलब जहां पे नमक का कंसनट्रेशन कम है डाइल्यूट सोल्यूशन जहां पे है और जहां पे नमक का ज्यादा जो कंसनट्रेटेड सोल्यूशन है ठीक है ये जड़ के अंदर की बात है ये जड़ के बाहर की बात है पानी अपने आप बाहर हारा और रूट हमारी सिकुड़ जाएंगी श्रिंक कर जाएंगी ये प्रॉब्लम है तो अगर मान लीजिए सर आपने बाहर जो पानी अप्लाई किया है उसमें सॉल्ट कंसेंट्रेशन बहुत ज्यादा है बहुत है सॉल्ट बहुत ज़्यादा तो आप समझिए वो पानी फिर अंदर नहीं जाएगा रूट्स में सर बहुत जरूरी है कि इरिगेशन वाटर जो हम अप्लाई कर रहे हैं उसमें सॉल्ट कंसेंट्रेशन इतना ज्यादा ना हो कि पानी ऑटोमेटिक बाहर आने लगे है ना तुमने देखा होगा कभी कोई जानवर वगैरह काटता है तो उसके ऊपर नमक छिड़कते हैं ताकि जहर बाहर आ जाए है ना क्यों नमक हम लोग क्यों कर रहे हैं ताकि अंदर से जो पानी है वो बाहर आ जाए तो रूट्स इसका इस केस से बिगड़ जाती हैं तो जड़ों को ये भी मेहनत करनी पड़ती है अब पानी बाहर जाने की कोशिश कर करा लेकिन हमको अपोजिट फोर्स लगा के उसको अंदर लाना पड़ेगा तो एक और मेहनत करनी पड़ गई और दिमाग खराब और दिमाग खराब सर तो एक ऑस्मोटिक प्रेशर लगाना पड़ रहा है एक पानी को खींचने के लिए वैसे फोर्स लगाना पड़ रहा है तो सॉइल मॉइस्चर स्ट्रेस क्या है सॉइल मॉइस्चर टेंशन सॉइल मॉइस्चर टेंशन प्लस प्लस ये सॉल्ट से जो लड़ाई चल रही है ऑस्मोटिक प्रेशर ठीक है तो तुमने पढ़ा होगा उस मोटिवेशन बचपन में क्लास इलेवन में एक सेमी पर्व मेम्ब्रेन होती है जो सिर्फ पानी को आने देगी लेकिन सॉल्ट के सॉल्ट को आने जाने नहीं देगी है ना सुन रखा होगा तुमने हाँ बिल्कुल सही बिल्कुल सही देखो अर्पित बता सेमी पर एस पी एम होती है सेमी पर्व मेम्ब्रेन बचपन में पढ़ रखा होगा तो इन शॉर्ट रूट को बड़ी मेहनत करनी पड़ रही है मतलब हमको एक बात समझ में आ रही है सर कि प्लांट की जो ग्रोथ है ना जो हमारी फसल है उसकी ग्रोथ दो बातों पर निर्भर कर रही है मेन एक तो सॉयल मॉइस्चर टेंशन कितनी आराम से वो पानी खींच पा रहा है दूसरा ऑस्मोटिक प्रेशर वहाँ पे नमक का कंसनट्रेशन क्या है ये चीज ज़रूरी है है ना तो हमको ये बातें ध्यान रखनी पड़ेंगी चलिए फिलहाल हम आगे बातें करते हैं कुछ हम लोग अब दो चार डेफिनेशन पढ़ लेते हैं फिर डेप्थ को देखेंगे और कुछ क्वेश्चन करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है बेटा भी बहुत इंपॉर्टेंट इससे बहुत क्वेश्चन बनते हैं अब सैचुरेशन कैपेसिटी फील्ड कैपेसिटी कई सारे टर्म्स से ध्यान देना जरा बहुत हम अटेंशन चाहेंगे सबका बहुत जरूरी टॉपिक आ गया है ठीक है देखो चार पाँच डेफिनीशन हमको ये छह डेफिनेशन एग्जैक्ट ठीक है इन छः को हम लोग समझेंगे एक डायग्राम की हेल्प से ठीक है तो छः डेफिनेशन हम पहले तुमको समझाते हैं और बढ़िया तरीके से थ्योरी सारी बता देंगे कुछ इसमें कठिन नहीं है ठीक है तो सीधे एक डायग्राम को ही देखते हैं लोग पहले तो अब देखो ये डायग्राम बहुत जबरदस्त है इसमें ही सारे कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर हो जाएंगे इधर एक्स एक्सिस पे तुम देख पा रहे हो टाइम लिखा हुआ है समय समय लिखा है सर ठीक है हमने सर एक बीज जो है बो दिया ये 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 जो बनाया हमने वाइट रंग का छोटा छोटा ये बीज है हमारी ठीक है ये बीज है तो इस बीज को हमने यहाँ पे बो दिया बढ़िया तरीके से ठीक है अब समय के साथ आप देखेंगे ये बीज धीमे धीमे समय बढ़ेगा सर ये ग्रो करेगी थोड़ा और ग्रो करेगी और ग्रो करेगी और अंत में एकदम फुल फ्लैज ये क्रॉप हमारी बन जाएगी बहुत बेसिक सी बात लेकिन इस समय हम यहाँ पे वाई एक्सेस दिखा रहे हैं वाटर कंटेंट क्या दिखा रहे हैं वाटर कंटेंट ये है पानी का जीरो कंटेंट मतलब जब आपके सॉइल में बिल्कुल पानी नहीं है और ये है सैचुरेशन कैपेसिटी सेचुरेशन कैपेसिटी मतलब आपने वॉइड जितने थे जितने वॉइड्स थे बहुत ध्यान सुनना बेटा जगह रहना एकदम ठीक है नींद नहीं आनी चाहिए किसी को भी वॉइड्स आपने पूरे सेचूरेट कर दिए भाई मिट्टी थी उसमें छेद थे छोटे छोटे सब में पानी भर दिया पूरा किसान आया उसने पूरा दिमाग लगा के सारा पानी एकदम लवा भर दिया बात खत्म तो उस समय जो पानी का कंटेंट होगा उसे जैसे तुमने वाटर कंटेंट पढ़ रखा होगा यार है ना तुमने वाटर कंटेंट पढ़ रखा होगा क्या होता है वाटर कंटेंट

तो एक हजार किलो, एक हजार ग्राम में दो सौ ग्राम अगर पानी पानी तो मतलब 20 पानी यहाँ पे है। पढ़ा भरा रहेगा अब जैसे जैसे बीस परसेंट अठारह सत्रह कम करना शुरू किया तो आपके वॉइड्स खाली होने लगेंगे।, लगेंगे और वहां पर एयर आने लगेगी बहुत आसान बात है ठीक है तो एग्जाम्पल समझते हैं, समझते हैं देखो। जैसे लेते हैं, सुनना बहुत से, लेते हैं कि 20 है, अगर आपने पानी डाल दिया तो हमारे सारे वॉइड्स के दाने जो वॉइड्स के दाने बोल दिया गलत हो गया दाने में जो वॉइड्स है जो मिट्टी के दाने, दाने जो वॉइड्स है वो सारे के सारे लबालब भर जाएंगे फुल हो जाएंगे एकदम बीस परसेंट पानी मान लेते हैं ठीक है एक किलो अगर मिट्टी है तो दो सौ ग्राम अगर आपने पानी डाला तो पूरा का पूरा भर गया सिस्टम समझेंगे क्लियर एकदम बहुत आसान है ठीक है अब आगे सुनो अभी हम डाउट्स डाउट्स ले लेते हैं इसको समझाने के परेशान मत हो अब क्या तुरंत ही जैसे ही पूरा पानी भर जाएगा तो आप देखेंगे कुछ समय में सर थोड़ा पानी निकल जाएगा ग्रेविटेशनल वाटर कुछ पानी ऑटोमेटिक ड्रेन कर गया हम लोग मान लेते हैं कि 200 ग्राम में 80 ग्राम पानी बह के निकल गया तो बचा कितना 120 ग्राम मतलब 12 परसेंट बच गया 12 तो परसेंट जो बच जाता है 8 परसेंट सर क्या, हुआ? ये परसेंट क्या हो, गया? सर हो गया नीचे की जगह अब कौन आ गया एयर बहुत अच्छी बात है थोड़ा एयर भी होनी चाहिए थोड़ा एयर भी होनी चाहिए ठीक है अब जैसे क्ले की बात करें तो क्ले में ग्रेविटेशनल वाटर को निकलने में हफ्ता भर भी लग सकता है यही अगर हम ग्रेवल और सैंड की बात करें तो सैंड की अगर बात कर लो तो ग्रेविटेशन वाटर को निकलने में एक दो दिन ही लगेंगे पानी जल्दी से नीचे चला जाएगा ठीक है तो डिपेंड करता है कि सॉइल के दाने बड़े हैं कि छोटे हैं ठीक है सही है एकदम सिंपल बात है और तुम एक और बात समझो जब पानी पूरा भरा रहता है तो सॉइल मॉइस्चर टेंशन उस समय जीरो होता है जब पानी पूरा भरा है तो सॉइल मॉइस्चर टेंशन ऑलमोस्ट जीरो है मतलब रूट्स को पानी खींचने में इतनी सी भी दिक्कत नहीं होगी इतनी सी भी दिक्कत तुरंत पानी मिलेगा और जैसे जैसे पानी के लेवल नीचे आता जाता है समझ जैसे जैसे नीचे आता है उनकी उनको फोर्स बहुत लगाना पड़ता है और जब वो फोर्स नहीं लगा पाएंगे तो प्रॉब्लम होगी ठीक है फोर्स क्यों लगा पाते हैं क्योंकि सूर्यदेव ऊपर चमक रहे हैं सूर्यदेव जितना चमकेंगे उतना अंदर वैक्यूम बनेगा वैक्यूम के चक्कर में पानी खींचेगा बहुत तेज़ी से ये बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है ठीक है जैसे वैक्यूम जानते हो हम लोग हम लोग कभी फ्रूटी या कुछ भी पीते हैं तो हम लोग जैसे ही सक करते हैं तो अंदर वैक्यूम बनता है और तुरंत फ्रूटी ऊपर आ जाती है सेम कॉन्सेप्ट है ना वही चीज़ तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे फील्ड कैपेसिटी कितनी हो गई बारह परसेंट अब क्या है देखो यहाँ से यहाँ तक ये यह हमारा एक पॉइंट इसको हम लोग बोलते हैं परमानेंट विल्टिंग पॉइंट ठीक है अब मान लो एक ग्राम पानी आपका बचा था बारह पानी बचा था तो अगर हम उसको कम करते 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 मान लीजिए छह परसेंट ले आते हैं एग्जाम्पल ले रहे हैं हम ठीक है तो छः पानी अगर पहुँच गया तो वो जाएगा परमानेंट विल्टिंग पॉइंट वहां पे ये परमानेंट विल्टिंग पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है सर जहां पे प्रैक्टिकली आपकी रूट्स पानी नहीं पी पाएंगी ठीक है ये बात हमको समझनी पड़ेगी तो यहाँ पे हमारा पानी रूट्स नहीं छीन सकती चाहे वो कुछ भी कर ले कितनी ताकत लगा ले मतलब जो छह परसेंट पानी आपका बचा रहेगा उस समय वो आपका आ जाएगा हाइग्रोस्कोपिक वाटर केस में क्योंकि वो सॉइल से बहुत जोर से चिपका रहेगा सॉइल इतना जोर से पानी को पकड़ेगा कहेगा अब लेके दिखाओ तो जाने तुम पहले इतना पानी हमसे ले लिया हो ऊपर है ना तो तुमने पहले इतना पानी ये जो अवेलेबल वाटर था ये पहले ही तुम ले चुके तुम्हारे ले था तो अब हम छह परसेंट अपना वाला नहीं देंगे तुम्हें इसके तुम्हें इतनी फोर्स लगानी पड़ेगी तुम नहीं लगा पाओगे ठीक है मशीन दो हो नहीं तो ये हो गया हाइग्रोस्कोपिक वाटर समझ में आ गया बात तो इधर हो गया हमारा ग्रेविटेशनल इधर हो गया हाइग्रोस्कोपिक ये सिर्फ सॉयल का है ये सिर्फ सॉइल से चिपक के रहेगा एकदम फिल्म बना के और ये जो हमारा ग्रेविटेशनल वाटर ये एकदम नीचे चला जाएगा तो जो बच गया बीच में फिल्ट फील्ड कैपेसिटी और परमानेंट विल्डिंग पॉइंट के बीच में जो पानी बचा है यहाँ पर हम दिखा रहे हैं ये अवेलेबल वाटर है ऑब्वियसली अवेलेबल फॉर कमेंट करो अवेलेबल फॉर वॉट जल्दी कमेंट चाहिए हमें तुरंत अवेलेबल फॉर वॉट तो हमने पूरा पानी भरा थोड़ा पानी आपका ग्रेविटेशनल हो गया थोड़ा आपका हाइग्रोस्कोपिक हो गया जो बीच में बचा वो हमारा हो गया एवेलेबल वाटर अब ज़रूरी क्या है जैसे हमारे पास सर कोई मिट्टी आई जरूरी यह है कि हमारे पास अगर कोई मिट्टी आई तो हम लैब में टेस्ट करके उसका सैचुएशन कैपेसिटी फील्ड कैपेसिटी और परमानेंट बिल्डिंग पॉइंट कैलकुलेट कर लें ये ज़रूरी है ठीक है और तुमने गर्मी में देखा होगा अक्सर जब तुम गमलों में पानी डालते हो तुम ये देखते हो कि गर्मी में पौधे तुरंत सूख जाते हैं तुमने देखा कि धूप दिन में बहुत ही शाम को एकदम सूखे मुरझाए पड़े हैं क्योंकि पानी के लेवल अचानक से यहाँ तक पहुँच जाता है तो वो मुरझा जाते हैं लेकिन अगर तुमने उनको लंबे समय तक यहाँ पर छोड़ दिया तब तो मर जाएंगे लेकिन अगर परमानेंट रिल्डिंग पॉइंट तक पानी का लेवल पहुँच भी गया है और तुम आके शाम को पानी डाल भी देते हो तो अपनी ट्रेजिडिटी या अपनी जो कह सकते हैं मैकेनिकल स्ट्रेंथ है वो दोबारा से हासिल कर लेते हैं ठीक है जैसे होता नहीं कि हम लोग हमारे घर में एक एक्वेरियम है तो उसमें हम लोग क्या करते हैं जब सफाई होती है तो मछली को ऐसे पकड़ के बाहर निकल जाता है तो मछली थोड़े समय तक अगर पानी में ना रहे दो चार सेकंड तो कोई दिक्कत नहीं है अब मछली को तुम पानी से बाहर ही निकाल के रख दोगे क्योंकि देखें मरती है कि नहीं मरती है तो तो मरी जाएगी ना यार वही चीज़ है कि गर्मियों में पानी का लेवल ऑब्वियसली पर्नल लीडनिंग पॉइंट तक पहुँचता है क्योंकि तो धूप बहुत होती है है ना तो वो मुरझा भी जाते हैं लेकिन जैसे ही तुम शाम को पानी डाल दोगे तो वो फिर से अपनी टर्जिडिटी रीगेन कर लेंगे ठीक है लेकिन हाँ लंबे समय तक छोड़ोगे तब तो फिर खत्म खेल तब नहीं फिर सरवाइव कर पाएंगे ये तुमने जरूर देखा होगा हम्म चलो बिल्कुल ठीक <coughs> है आगे हम और कॉन्सेप्ट देखते हैं अब तो अब क्या होगा सर सिस्टम यहाँ पे ये यह है कि ये जो लेवल है सर ये तो चले चला गया डीप अब ये बचा ये धीमे धीमे हमारी जड़ें पियेंगी ठीक है ये जो हमारी बीज है बेचारी प्यारी सी बीज आपने यहाँ लगाई है सर धीमे धीमे पानी का लेवल घटता जाएगा ठीक है पानी का स्तर धीमे धीमे नीचे आ रहा है समय के साथ इधर समय बढ़ रहा है पानी धीमे धीमे हमारी जड़ पी रही और देखिए आप ये बीज कितनी बढ़िया तरीके से यहाँ बढ़ गई ठीक है लेकिन हम पानी का लेवल कम करते 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 परमानेंट बिल्डिंग पॉइंट तक नहीं गए क्यों हम यहाँ पे नहीं गए क्योंकि हमको रिस्क नहीं लेना है यार आप एक बात समझिए सर जैसे जैसे आप यहाँ से यहाँ पहुँचना शुरू करेंगे रूट्स को जो फोर्स लगाना पड़ रहा है बताओ वो बढ़ेगा कि कम होगा बताओ सर पानी का स्तर धीमे धीमे घटता जा रहा है हम अपने खेत में एक बार पानी डाल के गए यहाँ पर मान लो ये जीरो टाइम है हमने अपने खेत में पानी डाला तो ये पानी तुरंत चला गया और धीमे धीमे जड़ों ने पानी पीना कम कर जड़ों ने या बीज ने पानी पीना शुरू किया तो पानी नीचे आ रहा है लेकिन हम कर, तब तक रुकेंगे क्या हम तब तक रुकेंगे जब तक पॉइंट तक ना पहुंच जाए बताओ हम तब तक रुकेंगे कि थोड़ा सेफ खेलेंगे हम तब तक नहीं रुकेंगे क्यों क्योंकि सर पानी का स्तर जैसे जैसे नीचे आता जाता है सॉइल मॉइस्चर टेंशन बहुत तेजी से बढ़ता है और फिर रूट्स को पानी खींचने में दिक्कत होती है बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है ना हम्म ठीक है ये बात समझनी पड़ेगी यहाँ पे जैसे जैसे पानी का लेवल नीचे जाएगा वैसे वैसे सॉल्व टेंशन बढ़ेगा सिंपल ठीक तो हमने एक सेफ लिमिट डिसाइड करी हमने एक सेफ़ लिमिट डिसाइड करी कि भैया इसके नीचे मत जाओ अब ऐसा तो है नहीं कि मछली को हमने चार सेकंड पानी से बाहर निकाला और गिनती गिनती एक दो तीन चार और पता मर गई तो हम यहाँ पे बार बार आके हम यहाँ पे टच नहीं करेंगे इसको हम थोड़ा ऊपर ही रुक जाएंगे ना दिक्कत क्या इतनी मेहनत से फसल लगाई है तीन चार महीनों से वहां पे रहना है खेत के अंदर अब हम पता चला बार बार परमेंट बिल्डिंग पॉइंट पा, तक पानी को पहुंचा दे रहे हैं नहीं पानी डाल रहे टाइम पे तो भाई मर भी तो सकती है ना तो रिस्क नहीं लेना है इसमें इसलिए हम लोग यहाँ डिसाइड करते हैं तो सेफ लिमिट कितनी लेते हैं जनरली हम लोग बता देते हैं जैसे मान लो ये टोटल हमारा अवेलेबल वाटर है इस अवेलेबल वाटर में से कुछ पानी आसानी से अवेलेबल है आसानी मतलब रेडिली रेडिली को इजीली भी बोल सकते हैं आसानी से इजीली ठीक है रेडीली बोल लो या ईजीली बोल लो आसानी से मिलने वाला पानी जड़ों को जिसमें उनको ज़्यादा ताकत लगाने की ज़रूरत नहीं है ठीक है बहुत सिंपल तो ये हमारा लगभग पिछहत्तर से अस्सी परसेंट होता है ठीक है इस पूरे अवेलेबल वाटर का जो कि हमारी रूट्स के अवेलेबल था उसका सेवेंटी फाइव टू एट्टी परसेंट हम मानते हैं कि आसानी से मिल जाएगा सही है अब ये सब बातें हम किसानों कैसे समझाएं समस्या यहाँ पर यह है अब इसकी थोड़ी थ्योरी पढ़ लेते हैं ठीक है वो तुमको अभी समझ में आ जाएगी थ्योरी आप हम तो पढ़ेंगे तो तुमको पूरा क्लियर हो जाएगा यहाँ पे ये हम सारा मिटार देते हैं ठीक है तो इधर तुम्हारा ये वाटर कंटेंट सारा लिखा हुआ है और ये सारे तुम्हारे कॉन्सटेंट्स हैं सैचुरेशन कैपेसिटी फील्ड कैपेसिटी परमानेंट बिल्डिंग पॉइंट ये अवेलेबल वाटर ये ग्रेविटेशनल वाटर ये हाइग्रोस्कोपिक वाटर और अवेलेबल का पिछहत्तर परसेंट हम मान के चल रहे हैं कि आसानी से जड़ों के लिए अवेलेबल है तो हम वहीं पे जैसे ही बीज हमारी पानी पीती जाएगी पीती जाएगी पीती जाएगी कम होगा और जैसे ही हम सेफ लिमिट तक पहुँचेंगे तुरंत हम पानी को फिर से भर देंगे तुरंत किसान दस दिन बाद पंद्रह दिन बाद आएगा और फिर से पानी भर देगा फिर से वही अपनी जो फसल है वो पानी पीना शुरू करेगी धीमे 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 और फिर जैसे सीब लेंगे फिर भर देंगे फिर भर देंगे इस तरह से प्रोसेस चलता रहेगा और तुम देखोगे कि तीन चार महीने में हमारी जो फसल है वो पूरी की पूरी ग्रो करके निकल आएगी ठीक है आसान कॉन्सेप्ट एकदम अब थोड़ा सा और डेफिनेशन देख लें फिर तुम्हारे डाउट्स हम ले रहे हैं चिंता ना करो तो हाँ ये डेफिनेशन सैचुरेशन कैपेसिटी क्या है बहुत सिंपल जब सारे पोर्स भरे हों एक बार रीड कर लेते हैं इट इज द टोटल वाटर कंटेंट ऑफ द सॉइल जब सारे पोर्स कंप्लीटली फिल्ड विद वॉटर हों और यहाँ पे क्या लिखा है कि इस लेवल पे जो फोर्स लगाना पड़ रहा है वो लिटरली जीरो है जो फोर्स या सॉइल में जो टेंशन लगाना पड़ रहा है वो जीरो है मतलब जड़ों को बिल्कुल मेहनत नहीं करनी पड़ रही ठीक है लेकिन आपने सर बोला कि एक आध दिन के अंदर या कोई अगर बहुत सूक्ष्म मिट्टी है बहुत फाइन सॉइल है तो हफ्ते अंदर हफ्ते भर के अंदर वो ग्रेविटेशन वाटर चला जाएगा तब बचेगा हमारा कौन सा वाटर जो पानी बचा है उस वेट ऑफ वाटर को हम अगर वेट ऑफ सॉलिड से डिवाइड करते हैं तो हमारा फील्ड कैपेसिटी मिल जाएगा ये मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मॉइस्चर है जो रुक गया अगेंस्ट ग्रेविटी जो रुक गया वहाँ पे अगेंस्ट ग्रेविटी ठीक है और कह सकते हैं ये कैपिलरी वाटर की अपर लिमिट है अपर लिमिट और लोअर लिमिट क्या होती है परमानेंट बिंडिंग पॉइंट जो अवेलेबल वाटर हमारे पास है उसका अपर लिमिट फील्ड कैपेसिटी और लोअर लिमिट पल्टर बिल्डिंग बहुत बेसिक बात है वही पानी हमारे प्लांट के लिए अवेलेबल है ठीक है तो अवेलेबल या कैपरी वाटर का अपर लिमिट है ये और सॉयल मॉइस्चर टेंशन अगर आप देखें तो यहाँ पे वन टेंथ मतलब जीरो पॉइंट वन पॉइंट थ्री थ्री जीरो पॉइंट वन से पॉइंट थ्री थ्री एटमोस्टरिक प्रेशर रहता है ठीक है और तुम तो अगर एक बात समझो फील्ड कैपेसिटी ज़्यादा किसके लिए होगी ऑब्वियसली जो बहुत फाइन मिट्टी होगी जैसे हमारी क्ले क्ले में पानी बहुत रुकेगा ठीक है क्ले में पानी बहुत रुकेगा जैसे मैं अगर तुमको डायग्राम दिखाया यहाँ पे आप ये कहना चाह रहे हैं सर कि सॉयल मॉइस्चर टेंशन यहाँ पे जीरो है कोई लोड ही नहीं है इस पर है ना यहाँ पे जब आप फील्ड वैसे पहुंच जाएंगे तो सॉयल मॉइस्चर टेंशन आपकी वन बाय टेन पॉइंट वन से लेके पॉइंट थ्री थ्री एटमोस्टरिक प्रेशर हो जाएगी अरे ये ए टी एम जानते हो ना एटमोस्टिर प्रेशर हमारे ऊपर एटमोस्फेयर दबाव लगा रहा है भाई टेन की पावर फाइव पास्कल होता है सबको पता होगा है ना मॉइस्चर टेंशन अब जैसे जैसे पानी का लेवल इससे नीचे आएगा वैसे वैसे ये मॉइस्चर टेंशन बढ़ता जाएगा ये अपर लिमिट ये लोअर लिमिट ठीक है तो समझ गया होगा बहुत बड़ी चीज नहीं है ये ठीक है तो इतना हम अब टेंशन थोड़ा बढ़ा फील्ड कैपेसिटी पे जब पानी आपका रुका रहेगा तो टेंशन लेकिन इतना टेंशन रूट्स आराम से लगा लेती है इतना कोई दिक्कत नहीं है ये बहुत आराम से रूट्स खींच लेती है ठीक है और ऑब्वियसली फाइन मिट्टी में पानी ज्यादा रुकेगा एज कंपेयर टू कोर्स मिट्टी बहुत बेसिक बात है अब तीसरा हमारा कॉन्स्टेंट क्या है परमनेंट बिल्डिंग पॉइंट

आश्चर्यचकित बात है परमानेंट विल्डिंग पॉइंट पे आपका जो तनाव है जो फोर्स लगाना पड़ रहा है उन्हें वो सात से बत्तीस एटमोसफिर प्रेशर है तुम समझो सात से बत्तीस कितना ज्यादा हो गया मतलब हम हैं हमारे ऊपर एक एटमोसफेर प्रेशर लग रहा है सबके ऊपर एक एटमोसफेर प्रेशर लगता है एटमोसफेयर जो है ना हमारा सोचो तो जो एटमोसफेयर जितना फोर्स हम पे लगा रहा है उसका सात गुना से लेके बत्तीस गुना तक फोर्स रूट कहाँ से लगा लेंगे तुम बताओ सोच के कहाँ लगा लेंगे यार नहीं लगा पाएंगे इतना फोर्स तभी वो मुरझा जाती हैं ठीक है तो ये बहुत ज़्यादा फोर्स है हाँ लेकिन ये है कि धूप बहुत ज़्यादा होगी तो इतना फोर्स जनरेट हो भी सकता है ठीक है धूप के ऊपर है ये सब तो ऑब्वियसली बात है हमारा परमानेंट लिंक पॉइंट भी डिपेंड करता है कि मिट्टी का साइज़ क्या है जैसे फाइन मिट्टी है तो ज़्यादा फिल्म बनेंगी है ना जैसे क्ले की हाइग्रोस्कोपिक वाटर भी ज़्यादा होती है कैबरे वाटर भी ज़्यादा होती है क्ले का ग्रेविटेशन वाटर कम होगा ठीक है और ये हमारी अवेलेबल वाटर की लोअर लिमिट है ठीक है बहुत बेसिक सी बात है ये तुमको हमने बता ही दिया है मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं सर इस डायग्राम में आपका सॉइल मॉइस्चर टेंशन यहाँ पे अत्यधिक है बहुत ही ज्यादा है एकदम दिमाग खराब कर देने लायक जड़ तो बिचारी हमारी मरी जाएगी एकदम उसकी जान निकल जाएगी सर एकदम सूख जाएगी बेकार हो जाएगी विल्टिंग हो जाएगी है ना यहाँ पे सॉइल मॉइस्चर टेंशन बहुत ज्यादा है अब इनके गैप के बीच में जो पानी हमारा अवेलेबल वाटर है सबको पता ही है, है ना सिंपल बात एकदम बेसिक डेफिनेशन यहाँ लिखी हुई है कि डिफरेंस इन मॉइस्चर कंटेंट बिटवीन फील्ड के वैसे इन को इसको हम लोग बोलते हैं अवेलेबल मॉइस्चर किसके लिए अवेलेबल है रूट्स के लिए अवेलेबल है? है ठीक है और यही वो पानी है जो प्लांट की ग्रोथ में आ, जो प्लांट की ग्रोथ को रिप्रेजेंट करेगा ठीक है बहुत बेसिक चीज़ है फिर आसानी से मिलने वाला अवेलेबल मॉइस्चर कौन सा है ये तुमको बता दिया कि जो पानी हमारा बहुत आसानी से मिल जा रहा है जिसमें ज़्यादा फोर्स नहीं लगाना पड़ रहा हम एकदम नीचे सात से बत्तीस तक नहीं पहुंचना चाह रहे हम चाह रहे हैं कि भाई छोटे मोटे में अपना काम चल जाए ठीक है ये लगभग पचहत्तर परसेंट माना जाता है टोटल का टोटल अवेलेबल का 75% ये तुमने देख ही लिया यहाँ पे कि ये पूरा हमारा अवेलेबल है इसका सिर्फ 75% लेंगे इस पूरे का ये अगर 100 है इतना तो इसका 75% ठीक है और लास्ट में एक डेफिनेशन है जिसको हम बोलते हैं मॉइस्चर इक्विलेंट हाँ एक सवाल यहाँ पे ये यह है कि सर ये जितने आपने सारे पॉइंट बताए हैं सैचुरेशन कैपेसिटी फील्ड कैपेसिटी ये वो फलां धमकाना इसको लैब में डिटरमाइन कैसे करेंगे ठीक है तो लैब में हमें फील्ड कैपेसिटी से मतलब सैचुरेशन से हमें कोई मतलब नहीं क्यों क्योंकि हम जब पानी को भर दें चाहे सारे वर्ड्स भरें चाहे उससे ज़्यादा Ultimately, पानी छोड़ दें अल्टीमेटली सारा पानी बह के नीचे चला जाएगा नहीं समझ में आई बात हम पानी चाहे पूरा भरें चाहे उससे ज़्यादा भर दें लेकिन जो पानी बहना होगा वो बह के नीचे चला ही जाएगा उसमें तो कुछ रुकना वकना है नहीं है ना तो हमें फील्ड के वैसे ज़्यादा मतलब है तो फील्ड के वैसे निकालने के लिए क्या दिमाग लगाया हमने मिट्टी ली देखो लिखा है यहाँ पे हमने एक मॉइस्चर रिटेंड इनिशियली सैचुरेटेड सैंपल लिया सॉइल का जो कि दस एम एम थी है एक हमने मिट्टी का सैंपल लिया जबरदस्त पानी भरा उसमें ज़बरदस्त पूरा जबरदस्त तरीके से पानी भरा दस एम मोटा है और उसको हमने घुमाया सेंट्रीफ्यूकल फोर्स समझते हो जब घुमाते हैं किसी चीज़ को ज़ोर से अब होता क्या है न? जब तुम तो उसको जोर से घुमाओगे तो जो पानी उसमें लूज है वो निकल जाएगा भाई तुम अगर मिट्टी के एक सैम्पल को दस एम एम थक को हम पकड़ के तुम घुमाते हो तो जो उसमें हल्का पानी होगा जो ग्रेविटेशन वाटर होगा वो निकल जाएगा उड़ जाएगा वहाँ से ठीक है और हम सेंट्रीफ्यूल फोर्स लगाते हैं थाउजेंड जी का आधे घंटे के लिए तो आधे घंटे अगर थाउजेंड जी का फोर्स लगाओगे तो जो पानी वहाँ पे अंदर ग्रविटेशन वाटर होगा तुरंत निकल जाएगा तो जो पानी बचेगा जो पानी बचेगा उसको हम ये मान के चल रहे हैं वो हमको फील्ड कैपेसिटी देगा एक तरह से मतलब ये टेस्ट जो मॉइस्चर रेगुलेंट हम निकालते हैं यहाँ पे मॉइस्चर रेगुलेंट कह सकते हैं एक क्विक तरीका है हमारे अप्रोसीमेटली फील्ड कैपेसिटी को मेजर करने का तो फील्ड कैपेसिटी का एक आइडिया सा लग जाता है ठीक है तो मॉइस्चर रेगुलेंट सब लोग याद रखेंगे ठीक अब तुम्हारे डाउट हम लेते हैं अच्छा एक डाउट आया ऐप पे नोट्स नहीं शो कर रहे हैं ठीक है हम आज चेक करते हैं वरना हम टेलीग्राम पे भी डाल देंगे अपने ठीक है और सरफेस मॉइस्चर कर हाँ ठीक है टेम्प्रेरी है ट्रेजिटी आ जाएगी सही है सब बढ़िया है एक डाउट बहुत बड़ा सा यहाँ पे आया है आर कुछ डाउट्स थे कहाँ पूछे ग्रुप में पूछ लो बेटा टेलीग्राम में ठीक है और पंचायती राज चलो ये थोड़ा लंबा क्वेश्चन है यार वाटर रिसोर्स और पंचायती राज या म्यूनसिपल डिपार्टमेंट में कौन सा बेस्ट रहेगा वाटर रिसोर्स भर दो बेटा और क्या ठीक है वाटर रिसोर्स बस प्रिफ्रेंस भर दो ठीक चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग बाकी अपने सीनियर्स वगैरह से कंसर्न कर लो उस स्टेट में तो ज़्यादा अच्छा आइडिया मिल जाएगा ठीक है हाँ तो ये पूरा कॉन्सेप्ट हम लोग समझ गए हैं हम लोग को अभी डेप्थ पढ़नी है कुछ क्वेश्चंस बताओ जरा इसको ये क्वेश्चन एग्जाम के क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट जरा कमेंट करेंगे सब लोग आंसर फटाफट तो क्वेश्चन पूछ रहा है वाटर विच कैन बी यूटिलाइज बाय द क्रॉप्स फ्रॉम द सॉइल जो पानी क्रॉप्स के द्वारा यूटिलाइज हो रहा है वो फील्ड कैपेसिटी वाटर है नहीं फील्ड कैपेसिटी वाटर में तो आपका पूरा है हाइग्रोस्कोपिक देखो फील्ड कैपेसिटी की अगर आप बात करें तो जीरो से लेकर फील्ड कैपेसिटी तक आपका अवेलेबल भी है और हाइग्रोस्कोपिक दोनों मिला के हैं है ना दोनों मिला के नहीं वो नहीं है तो ये गलत हो जाएगा हाइग्रोस्कोपिक वाटर तो बिल्कुल ही अवेलेबल नहीं होता है आंसर क्या हो जाएगा इसका है ना क्या आंसर हो जाएगा कमेंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है कैबरिक वाटर बिल्कुल हाँ बिल्कुल सही देखो विकास ने एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है ये बहुत अच्छे सुन रहा है विकास ने आप पूछा लड़के ने किसान को कैसे पता चलेगा बस इसी का आंसर हम तुम थोड़ी देर में देंगे बस आधा घंटा तुम और सुनो तुमका इसका आंसर मिलना शुरू हो जाएगा ऑटोमेटिक ठीक है आज सुनो आज तुमको एकदम साइंटिस्ट बना देंगे एकदम सुनते चलो बस आज हाँ तो सी ऑप्शन कैपिल वाटर सबको पता है जो अवेलेबल वाटर है वही है ठीक है और स्ट्रक्चरल वाटर तो मिट्टी का ही हिस्सा है तो उसको नहीं गिन रहे हम ठीक है वो तो मिट्टी का हिस्सा है उसको हटा दो ठीक है <coughs> अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आता है ये डेरिवेशन देखने की जरूरत नहीं है वैसे बहुत आसान है तुमको कुछ बातें बताते हैं बहुत ध्यान सुनना ठीक है उससे पहले हम पानी पियेंगे एक गूंट पानी पियेंगे जीवन का उसके बाद तुमको हम पानी की डेप्थ निकालना बताएंगे पानी पी के समझ लो ये है मैजिक तो बात इतनी सी है हम लोग को समझना एक सेकंड को दस तक गिनती नहीं है सब लोग सर पानी पी रहे हैं अभी चलो गिनती कहाँ तक पहुंच गई है दस हो गया अब ठीक है अब शुरू करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ से गेट में बहुत क्वेश्चन आते हैं अब अभी तक नींद आ रही तो आप जग जाओ ठीक है आप जगने का टाइम आ गया है बहुत जरूरी क्वेश्चन है ये तो इसमें क्या है देखो समझने की कोशिश करना एक बहुत ही सुंदर सा चित्र बनाया हमने यहाँ पे इस चित्र में हम दिखा रहे हैं एक फसल है ये पता नहीं किस टाइप की फसल है सर आपकी लेकिन इसमें हम लोग को फोकस करना है जड़ों के ऊपर ठीक है जड़ों की जो गहराई है उसको बोलते हैं डी डी फॉर डी फॉर बताओ जल्दी से यार डी फॉर नहीं बताओगे डी फॉर डेप्थ ऑफ रूट जोन ठीक है क्या बोल रहे हैं डी फॉर डेप्थ ऑफ रूट जोन मतलब हमें भाड़ में गई दुनिया सर हमें इसी मिट्टी की गहराई से मतलब है इसके नीचे क्या है इसके ऊपर क्या हमसे को मतलब नहीं जड़ जितनी गहराई तक है हम वहाँ पे बहुत इंटरेस्टेड है सर हम उस मिट्टी का पूरा एनालिसिस करने जा रहे हैं ठीक है थीके? अब तुमको ये पता है कि जो ये हमारी जड़ों की गहराई है इसमें तीन चीज़ें हैं ठीक है अगर हम इस डायग्राम को तोड़ने की कोशिश करें देखो यहाँ बना हुआ है तो कुछ अगर हम तीनों को अलग अलग कर दें ठीक है सॉइल को पूरा एक साथ लगा दें वाटर को एयर को तो ये हमारे डेप्थ ऑफ सॉलिड ये डेप्थ ऑफ वाटर डेप्थ ऑफ एयर हो जाएगी ठीक है भाई हमारी हवा वो आ जाएगी जब ग्रेविटेशन वाटर चला जाएगा तो कुछ डेप्थ ऑफ एयर डेप्थ ऑफ वाटर डेप्थ ऑफ सॉलिड हो जाएगा ठीक है और मान लेते हैं कि हमारा जो किसान का खेत है उसका एरिया ए है ठीक है अब देखो हम लोग पता है हम लोग वॉल्यूम कैसे निकालेंगे सबको ये बात समझानी चाहिए अगर हम इस मिट्टी की वॉल्यूम निकालें तो वॉल्यूम क्या हो जाएगी एरिया इन डेप्थ एक बार यस लिख देंगे ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है एरिया किसान का जो भी एरिया अभी तुमको साइंटिस्ट बनाना ना बहुत सारे सवाल तुमने पूछे हैं कि किसान को कैसे पता चलेगा वही हम तुमको बताना चाह रहे हैं ध्यान सुनो हमारी बात भाई हमारा किसान का खेत है एक हेक्टेयर का मान लो एरिया और जो जड़ों की गहराई है डी उसको इंटू करके हम जो हमारी सॉइल की मेन वॉल्यूम है वो तो निकाल सकते हैं ना सही है ठीक क्लियर एकदम अब बात क्या है सर किसान का जो खेत है हर किसान के खेत का एरिया अलग अलग होता है किसी का एक हेक्टेयर है किसी का मान लीजिए एक दो बीघा है किसी का चार बीघा है तो एरिया तो सर कॉन्स्टेंट रहा नहीं एरिया कॉन्स्टेंट रहा नहीं लेकिन जो हमारी फसल की जड़ है डेप्थ वो सब कॉन्स्टेंट रहती हैं ठीक है थीके? हम यहाँ पे डेप्थ में डीलिंग करेंगे हम यहाँ पे डेप्थ में डीलिंग करेंगे अब देखिए आप ये बात मान रहे खोदी कि टोटल डेप्थ में जो टोटल डेप्थ है इसमें अगर हम तीनों चीज़ों को अलग अलग कर दें तो मिट्टी की डेप्थ पानी की डेप्थ और एयर की डेप्थ अलग अलग हो जाएगी हम इंटरेस्टेड हैं पानी की डेप्थ में कि आखिर मैं कितना पानी की डेप्थ यहां डाल दूं अप्लाई कर दूं जिससे कि हमारा पानी के लेवल फील्ड कैपेसिटी तक पहुंच जाए हां एक चीज और हम पानी के लेवल को कहां पहुंचाना चाह रहे हैं इधर आ जाओ हम पानी के लेवल को कहां पहुंचाना चाह रहे हैं फील्ड कैपेसिटी पर यहाँ क्योंकि यहीं से हमारे जड़, जो बीज है या जड़ है वो पानी अपना पीना शुरू करेंगी ठीक है और जैसे ही वो सेफ लिमिट पहुंचेंगे फिर से पानी भर देंगे है ना तो हम इंटरेस्टेड हैं इस डेप्थ को निकालने में देखो एक बात समझो जरा बहुत ज्ञान समझना इस डायग्राम के अंदर देखो इस डायग्राम के अंदर देखो कितनी सारी डेप्थ छुपी हुई है भाई किसान ये सवाल पूछ रहा है कि सर हमको ये बता दीजिए कि हम अपने खेत में कितनी पानी की गहराई अप्लाई करें ठीक है पानी की गहराई में क्यों इंटरेस्टेड है वो क्योंकि एरिया सबका अलग अलग है अभी हम हमको पूरा क्लियर कर देंगे थोड़ा सुनते चलो डेप्थ में ज्यादा इंटरेस्टेड क्यों है हम देखो हम कितना पानी की डेप्थ जैसे मान लो अगर मान लो हमने डाला बीस एम mm पानी ठीक है बीस एम तो बीस एम पानी मान लो हम इस लेवल को अचीव कर लेते हैं जीरो सेन कैपेसिटी तो ये बीस एम पॉइंट डालना पड़ेगा अगर मान लो हम सोलह एम पॉइंट डालते एग्जाम्पल ले रहे हैं हम ठीक है रट मत लेना कि नहीं सर आपने तो बीस एम बताया था तो सैचुएशन कैपेसिटी हो गई नहीं रटना नहीं है समझा रहे एग्जाम्पल ले रहे हैं ठीक है बीस एम पानी की डेप्थ अप्लाई करी तो आप पहुंच गए जीरो से लेकर सैचुअन कैपेसिटी यही आपने सोलह एम पॉइंट डाला यही मान लीजिए आपने सोलह एम पॉइंट डाला तो आप जीरो से पहुंच गए फील्ड कैपेसिटी यही मान लीजिए आपने डाला सेम एम पानी तो आप जीरो से परमानेंट बिल्डिंग पॉइंट पहुंच गए तो अगर ये सर छः है यहाँ से यहाँ तक आपका सोलह है और यहाँ से यहाँ तक आपका बीस है तो बताओ यहाँ पे अवेलेबल वाटर कितना होगा बताओ अवेलेबल वाटर कितना होगा कैसे निकालेंगे बताओ जरा कमेंट करो जल्दी से सोलह डाला तो फील्ड वैसे ही पहुँचे छः एम पानी अप्लाई किया किसान ने तो पी वाला लेवल आ गया ठीक है वो पी का लेवल आ गया समझो बात हमारी ध्यान सुनो ठीक है तो हमको ही बता दो बस कि यहाँ पर अवेलेबल वाटर कितना एम एम है मेरा किसान भाई कितना पानी की गहराई अप्लाई करे कि उसको अवेलेबल वाटर मिल जाए डेप्थ ऑफ अवेलेबल वाटर मिल जाए बताओ तो क्या होगा आंसर सब लोग सोच सकते हैं बहुत बड़ा काम नहीं है सोलह में से छः माइनस करना है देखो सोलह में छः माइनस भी नहीं हो पा रहा है चौदह लिख रहे हैं कौन है चौदह चलो नाम लेंगे कोई बात नहीं माफ़ कर दिया हमने सोलह माइनस छः को बहुत रॉकेट साइंस थोड़ी पूछ ली हमने इतना समझ पा रहे हो ठीक है इतना क्लियर है बहुत सिंपल बात है इसमें कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं है हमको ठीक अच्छा एक चीज़ और बताओ एक एक और छोटा सवाल पूछ लेते हैं इसी में लगे हाँ तो जब चल रहा है तो पूरा खत्म करते हैं अब तुमने ये बताया माइनस करके दस आ गया सब लोग सही बता रहे हैं सबके कमेंट हमको दिख रहे हैं सब दस बोल रहे हैं बिल्कुल सही बहुत अच्छी बात है ठीक है अब ये बताओ इस दस में से ये तो अवेलेबल हो गया बताओ आसानी से मिलने वाला कितना है मान लेते हैं कि पिचहत्तर परसेंट आसानी से मिलने वाला है तो दस का पिचहत्तर परसेंट निकाल लोगे कितना होगा बताओ चलो तुम बताओ दस का पिचहत्तर परसेंट कितना हो जाएगा हमारा बहुत सिंपल है भाई बहुत सिंपल दस का पचहत्तर परसेंट कितना हो जाएगा साढ़े सात सब लोग साढ़े सात रहे हैं तो ये मतलब यहाँ से यहाँ तक आपका कितना होगा साढ़े सात मैम मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि अब जितनी बातें चलेंगी अब जितनी बातें चलेंगी हम इन कॉन्स्टेंट्स के टर्म में बात नहीं करेंगे कैपेसिटी फील्ड कैपैसिटी पीडब्ल्यू पी नहीं किसान को समझिए बात हम लोग हैं इंजीनियर हम लोग सिंचाई भाग के इंजीनियर बनेंगे मान लीजिए भविष्य में जैसे एक लड़के ने अभी पूछा भी कि हम वाटर रिसोर्स प्रिफ्रेंस भरें या पंचायती राज या

डेप्थ से कि भाई कितना पानी में डाल दूँ जिससे मेरा पानी का लल यहाँ से यहाँ पहुँच जाए कितना पानी में डाल दूँ कि पानी का लल यहाँ से यहाँ पहुँच जाए ये हमें जानना है डेप्थ तो अब टॉपिक हमारा क्या आ गया है डेप्थ ऑफ वाटर जो कि देखो यहाँ देखो कई सारी डेप्थ है यहाँ पे हम सीधे फॉर्मूला आ रहे हैं डेरिवेशन जाओ भूल इसको कोई दिक्कत नहीं इधर फॉर्मुला पे फोकस करो ये लिखा है डेप्थ ऑफ वाटर अब सर देखिए डेप्थ ऑफ वाटर में यहाँ पे एक डेफिनेशन लिखी है फॉमूला लिखा है सॉरी गामा डी अपॉन गामा डब्ल्यू इन डी पहले ये समझ लेते हैं इतना समझ लो इतना रट लो आगे का सिस्टम चेंज होता रहेगा ठीक है।, है अब गामा डी क्या है ड्राई डेंसिटी ऑफ सॉइल डेंसिटी निकालना बहुत सिंपल काम होता है पूरे बचपन भर से डेंसिटी निकाले डेंसिटी का मतलब जानते हो क्या होता है जैसे मिट्टी उसकी तुमको ड्राई डेंसिटी निकालनी है तो उसका वज़न कर लो सूखी मिट्टी अरे सूखी मिट्टी सर सूखी मिट्टी लेंगे ड्राई सॉइल लेंगे उसका वज़न नाप लेंगे और उसकी वॉल्यूम्स डिवाइड कर देंगे तो कोई भी निकाल सकता है ड्राई डेंसिटी ऑफ सॉइल वेरी सिंपल ड्राई एनसी निकालना कोई बड़ा काम नहीं है वेट लो लेकिन हाँ सूखा वेट लेना पानी मट भर देना क्या पानी भर दिए मिट्टी का वजन कि कैसा ड्राई डेंसिटी आ गई ऐसा नहीं कर सकते ड्राई डेंसिटी ड्राई होती मतलब हमको सॉइल की ड्राई डेंसिटी लेनी है सिर्फ कोई पानी नहीं है जैसे सिर्फ सॉलिड्स हैं बस जैसे सिर्फ सॉयल सॉलिड्स हैं ठीक चलिए गामा डी समझ में आ गया गामा डब्लू सर पूरा हिंदुस्तान जानता है डेंसिटी ऑफ वाटर डेंसिटी ऑफ वाटर की तुमको पता होगा कि क्या क्या डेंसिटी ऑफ वाटर होती है तुमको हम तो थोड़ा बता देते हैं हजार के पर मीटर क्यूब पूरा इंडिया जानता है बात वन ग्राम पर सीसी होता है ये भी सुन रखा होगा तुमने वन टन पर मीटर क्यूब होता है ये शायद ना सुना हो नाइन पॉइंट एट वन किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब होता है ये तुमने सुना होगा जैसे ही तुम इंजीनियर बने होगे है ना फिर किलो न्यूटन अगर हटा के थाउजेंड लगा दो तो, तो नाइन एट वन जीरो न्यूटन पर मीटर क्यूब हो जाएगा ये सारा डेंसिटी ऑफ वाटर जो तुमको पता होना चाहिए एज अ सिविल इंजीनियर ठीक है तो हमको पता है तुमको पता होना चाहिए ये बात जान लो ठीक है तो ये सब तुमको चलो इसको अभी लिखा रहता है थोड़ी देर क्या पता कुछ बच्चों को इंटरेस्ट आ जाए तो गामा डी सर हमको दिमाग में चला गया गामा डब्ल्यू में दिमाग में चला गया और डी फोर क्या है कमेंट करो डी फोर डी फोर बताओ भैया जल्दी बताओ डी फोर क्या है डी फोर वॉट कमेंट देख रहे हैं हम कोई कमेंट नहीं आ रहा है एक तो कमेंट में और सवाल पूछने में बड़ा टाइम हो जाता है ना डी फोर क्या है डेप्थ ऑफ अच्छा डेप्थ लिख दिए कौन से रूट जोन डेप्थ बोलो हाँ डेप्थ ऑफ रूट जोन सही है ठीक है हाँ डेप्थ ऑफ़ रूट जोन बिल्कुल सही बोला तुमने बहुत बढ़िया बहुत सुंदर अति सुंदर तो अब देखो हम तुम्हें आप समझाते हैं कुछ बातें ध्यान सुनना जरा ठीक है और आगे क्या होगा उससे मतलब नहीं है आगे यहाँ पे देखो ये जो लिमिट है ना ये चेंज होगी अब हमारे सवाल सुनो जरा ठीक है इधर आ जाओ ये डायग्राम दिख रहा है सबको अब इधर आओ अगर हमसे पूछ रहा है अब बहुत ध्यान सुनना बस यही सबसे ज़रूरी चीज़ है फोकस करेंगे सब अगर हमसे पूछ रहा है कि सर वॉट इज द डेप्थ ऑफ वाटर वॉट इज द डेप्थ ऑफ वाटर रिक्वायर्ड टू तो रीच सैचुएशन कैपेसिटी मतलब मैं कितनी पानी की डेप्थ डालू कि पानी केवल यहां से यहां पहुंच जाए तो फॉर्मूला देखो क्या बनेगा फार्मूला अलग अलग है भाई तो गामा डी अपॉन गामा डब्ल्यू इंटू डी ये तो सब में सेम है ये ड्राई डेंसिटी ऑफ सॉइल वाटर की डेंसिटी और डेप्थ ऑफ रूट जोन ये तो तुम समझ गए उतना रट लियो इतना रट लियो ना आगे आप पूछा आपने क्या है कि कितने पानी की डेप्थ में डालू कि पानी यहां से यहां पहुंच जाए तो हम लोग क्या करेंगे दिस माइनस दिस कर देंगे कैपेसिटी माइनस जीरो कर देंगे बात खत्म नहीं समझे दिस इज द डेप्थ ऑफ दाटर विच हैव टू अप्लाई इन ऑर्डर टू तो रीच कैपेसिटी सिंपल बात नो बकवास है कि नहीं अब अगर मान लो हमसे ये पूछ दे कि कितनी पानी की डेप्थ मैं अप्लाई करूँ सर मैं एक किसान हूँ सर मैं एक फार्मर हूँ मुझे अप्लाई करना है पानी मैं कितनी पानी की डेप्थ अपलाई करूँ मैं फील्ड कैपेसिटी पहुंच जाऊँ बताओ यहाँ पे क्या करेंगे अब हम ये इतना सेम रहेगा अब हमको जीरो से फील्ड कैपेसिटी पहुँचना है तो हम क्या करेंगे फील्ड कैपेसिटी माइनस जीरो कर देंगे मतलब यहाँ पे सॉयल मॉइस्चर कॉन्स्टेंट्स हैं जो डेफिनेशन आपने पढ़ाई फील्ड कैपेसिटी सैशन कैपेसिटी पर्मनल बिल्डिंग पॉइंट आप ये सब रख के डेप्थ ऑफ वाटर आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं मतलब यहाँ से यहाँ कितना पानी अप्लाई करेंगे कि आप उस लेवल पर पहुँच जाएंगे नहीं समझ में आ रहा सिंपल है बहुत चलो ये तुमने खुद गैस कर लिया बहुत अच्छा अच्छा वाट इज़ द डेप्थ ऑफ वाटर रिक्वायर्ड टू रीच परमानेंट बिल्डिंग पॉइंट चलो अब बताओ वॉट इज द डेप्थ ऑफ वाटर रिक्वायर्ड टू रीच परमानेंट बिल्डिंग पॉइंट यहाँ पे क्या रखेंगे बताओ हमको अब जीरो से परमानेंट विल्डिंग पॉइंट पहुंचना है तो हम क्या करके बताओ अरे बताओ भैया जग जाओ जल्दी कुछ बोलना शुरू करो कुछ बोलो मन में वहां से वहां पे ऐसा बोलो हमको थोड़ा आवाज़ सुना ही दे कम से कम हैं पी डब्लू डी माइन पी डब्ल्यू बी माइनस जीरो वेरी गुड बहुत बढ़िया बताया हो अच्छा आप बता दो एक और अगला पूछ रहे हैं कोई बता सकता है डेप्थ ऑफ अवेलेबल वाटर क्या होगा अगर हम बोले डेप्थ ऑफ अवेलेबल वाटर चलो अब हम तुमसे सवाल पूछ रहे हैं डेप्थ ऑफ अवेलेबल वाटर बताओ क्या होगी कमेंट करो जल्दी चलो डेप्थ ऑफ अवेलेबल वाटर बताएंगे सब लोग चलो विकास ने बहुत सही बताया है एकदम अर्पित भी सही बता रहे हैं डेप्थ ऑफ अवेलेबल वाटर में हम लोग क्या कर देंगे बहुत सही हाँ अवेलेबल वाटर का मतलब ही क्या है कि हमको फील्ड कैपेसिटी और पीडब्ल्यूबी के बीच में रहना है ठीक है और ये कुछ परसेंटेज होंगे ये बीस लिखा होगा ये छह लिखा होगा बीस माइनस छह परसेंट कर देंगे यहां पर डेप्थ ऑफ अवेलेबल वाटर तुमने खुद ही फॉर्मुला सोचा बहुत ही अच्छी बात है अच्छा एक सवाल और पूछना है लास्ट एक लास्ट सवाल पूछना है यह तुमने खुद ही बता दिया बहुत ही अच्छी बात है सब कमेंट कर रहे हैं यहां पे एक सवाल और अब हमको बता दो डेप्थ ऑफ रेडली अवेलेबल मॉइस्चर क्या होगा ये तो तुमने बताया डेप्थ ऑफ अवेलेबल वाटर अवेलेबल मॉइस्चर ए एम बोलते हैं इसको ठीक है अवेलेबल मॉइस्टर बता दिया अब अगर हमको इसी से डेप्थ ऑफ रेडली अवेलेबल मॉइस्चर निकालना है तो हम क्या करें बताओ क्या करेंगे कोई बताएगा कोई बताएगा एफ सी माइनस सेफ लिमिट वेरी गुड हाँ दो ऑप्शन है अपने पास दो ऑप्शन है देखो बिल्कुल सही तुम लोग बता रहे हो हम लोग या तो एफ सी एक ऑप्शन यहाँ पे ये यह है कि हम लोग इसी पूरी डेप्थ को जो भी डेप्थ आई है जो भी डेप्थ आई है उसका सीधे सीधे सेवेंटी फाइव परसेंट निकाल दें सेवेंटी फाइव पर सेंट मतलब पर हंड्रेड तो सेवेंटी फाइव हंड्रेड पॉइंट सेवन फाइव होता है तो या तो हम जो डेप्थ आई है उसका सेवेंटी फाइव परसेंट निकाल दें क्योंकि हम बोल ही रहे हैं इसमें से सिर्फ सेवेंटी फाइव परसेंट ये है या अस्सी परसेंट भी निकाल सकते हैं क्वेश्चन में जो भी दिया हो और दूसरा ऑप्शन यहाँ पे ये है कि इसकी जगह हम यहाँ पे एफ सी माइनस सेफ लिमिट या फाइव लिख सकते हैं क्वेश्चन कैसा भी बन सकता है देखो कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए क्वेश्चन कैसा भी बन सकता है कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए है कि नहीं सही है सिस्टम क्लियर या तो हम पूरे का सेवेंटी फाइव परसेंट निकाल दें या तो एफ सी माइनस सेफ लिमिट अगर हमको दी गई हो तो हम माइनस करके निकाल लेंगे इतना सबको समझ में आ गया है तो अब डेप्थ के फॉर्मूले में किसी को दिक्कत तो नहीं होगी सर ये बताइए डेप्थ निकाल के मज़ा क्या आ रहा है थोड़ा और जरा गहराई में चलते हैं अब साइंटिस्ट बनना है देखो सुनते चलो बहुत ध्यान से आज हमको चैंपियन बनाइए सर एक आप एकदम जबरदस्त चैंपियन बनाइए आप एक क्वेश्चन करेंगे पूरा कॉन्सेप्ट ही क्लियर हो जाएगा वहाँ से तो देखो अब हम उम्मीद कर रहे हैं अगर जैसे ये तुमको लिखा हुआ है

फिर देखो ये कौन सा फॉर्मिला है सर एफ सी माइनस पी डब्ल्यू पी मतलब ये डेप्थ ऑफ एवेलेबल मॉइस्चर है तुम नहीं बताया हमें ठीक है, है? जिसमें गामा डी गामा डब्ल्यू सब कुछ में दिया रहेगा बहुत इंपॉर्टेंट है फिर अगर डेप्थ ऑफ रेडली एवेलेबल मॉइस्चर निकालना है तो हम क्या करेंगे जो पूरी अपनी ये अवेलेबल मॉइस्चर की डेप्थ थी उसमें हम सेवेंटी फाइव परसेंट इंटू कर देंगे सिंपल एकदम सिंपल अब इस फॉमले को ज़रा सब लोग एक बार लिख लो अपने मन में कहीं स्टार बना दो दो तीन बार ताकि खोपड़ी में चला जाए और एक और चीज़ सुनो क्वेश्चन के अंदर ये सेवेंटी फाइव भी दे सकते हैं फिफ्टी भी दे सकते हैं कुछ भी दे सकते हैं वो वो बताएंगे क्वेश्चन वाले कि उस हंड्रेड में से सेवेंटी फाइव आसानी से मिल रहा है कि फिफ्टी आसानी से मिल रहा है वो क्वेश्चन के ऊपर है तो ये नहीं कि सेवेंटी फाइव रट के वहाँ क्वेश्चन लिखा है फिफ्टी परसेंट अवेलेबल फिफ्टी परसेंट इजिली अवेलेबल सॉरी वहाँ क्वेश्चन लिखा है फिफ्टी परसेंट तुम सेवेंटी फाइव लगा के चले आए तो क्योंकि तुम तो रटे हुए थे तो ये ज़रूरी नहीं है, है ना ये मिट्टी पर डिपेंड करता है क्लियर है भाई हाँ बहुत बढ़िया क्या बात है देखो तुम लोगों ने खुद ही दिमाग लगा लिया कि डिस्चार्ज फाइंड कर सकते हैं डेप्थ से देखो डेप्थ से डिस्चार्ज नहीं फाइंड करेंगे डेप्थ से हम लोग डेप्थ को एरिया इंटू करके पानी की वॉल्यूम फाइंड करेंगे किसान को पानी की वॉल्यूम जो अप्लाई करनी है वो पता चलेगी अब हम क्वेश्चन करवा रहे हैं पूरा बहुत क्लियर होगा तुमको ठीक है और क्यों हम लोग डेप्थ में इंटरेस्टेड है क्योंकि हम पानी की वॉल्यूम डायरेक्ट फॉमला नहीं बना सकते अगर पानी की वॉल्यूम का डेप्थ डेप फॉर्मला है तो सबको बस इन्हीं डेप्थ को एरिया सेंड टू कर दो तो वॉल्यूम मिल जाएगी हमको ठीक है तो ये फॉमुला सबको याद करना है भैया ये फॉर्मला सबको एकदम अच्छे से याद करना है अब हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे सभी लोग अपने कैलकुलेटर वगैरह निकाल लें ठीक है साथ साथ चलें और बढ़िया से क्वेश्चन सॉल्व करें जो तुमको एग्जाम में देखने को मिलेंगे ठीक है और ये सभी हम लोग बाद में देखेंगे चलो पहला सवाल अब क्वेश्चन टाइम हो गया है अब सवाल करेंगे कैलकुलेटर निकालो और बाकी जो कॉन्सेप्ट होंगे हम तुमको समझा देंगे सारे ठीक है लगे हाँ तो बीच में क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे देखो क्या लिखा है फ्रीक्वेंसी ऑफ इरीगेशन इज डिपेंडेंट अपॉन द टाइप ऑफ क्या फ्रीक्वेंसी ऑफ इरीगेशन का मतलब क्या है कि हमें कितने कितने दिनों बाद पानी डालना है कितने कितने दिनों बाद पानी डालना है जैसे अब यहाँ पे तुम देख सकते हो इस डायग्राम में हम लोग देख रहे हैं कि हमने यहाँ पे मान लो ये दस दिन है दस दिन बाद पानी डाला या पंद्रह दिन बाद पानी डाला, डाला फिर डाला तो ये फ्रीक्वेंसी जो है ये किस पे डिपेंड करेगी बताओ भाई पहला सवाल आ गया है कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर मिट्टी पे ऑब्वियसली डिपेंड करेगी सर जो मिट्टी बहुत पानी होल्ड करती है उसमें पानी धीमे धीमे खत्म होगा तो ज़्यादा देर बाद आप पानी डाल सकते हैं फसल पे डिपेंड करता है कि कुछ फसलें जल्दी पानी पीएंगी कुछ पानी कुछ फसलें कम पानी पीती हैं कुछ ज़्यादा पानी पीती हैं तो इस पर डिपेंड करता है वहाँ का मौसम कैसा है क्लाइमेट कैसा है धूप ज़्यादा है गर्मी का मौसम है तो जल्दी पानी आपको डालना पड़ेगा फ्रिक्वेंसी ऑफ वेरिएशन जल्दी जल्दी होनी चाहिए ठीक है लेकिन ये बात फर्टिलाइज़र पर डिपेंड नहीं करती है ठीक है फर्टिलाइजर हमारे पानी की रिक्वायरमेंट को चेंज नहीं करेगा बाकी मिट्टी कैसी है क्रॉप कैसी है वहां का क्लाइमेट कैसा है इन सभी चीजों से पानी के कारण में फर्क पड़ेगा ठीक है इसका नहीं <laughs> लड़का कह रहा है सर इस क्वेश्चन को कैलकुलेटर से कैसे सॉल्व करें हैं बहुत तुम तेज दिमाग लगा रहे हो अपना ग्रेविटी टाइम में कन्वेंशनल क्वेश्चन करा देंगे चलो कोई टेंशन नहीं कोई टेंशन नहीं चलो आप हम लोग थोड़ा सा मेन क्वेश्चन करते हैं ये वाला मेन चलो एक छोटा सा और बचा हुआ है

एवरेज पंद्रह के आसपास आएगी ठीक है तो पंद्रह हम लोग चूज कर सकते हैं मॉइस्चर टेंशन जब हमारा प्लांट आ, प्लांट कह सकते हैं मिट्टी में पानी के लेवल परमानेंट विल्डिंग पॉइंट पे पहुंच गया है तब ये हो गया क्वेश्चन चलो अगला क्वेश्चन अब आ जाओ हम लोग कैलकुलेटर वाले क्वेश्चन को लेते हैं फटाक से ठीक है हाँ तो यहाँ पे लिखा है सब लोग साथ में देखो सॉल्व करेंगे हमारे साथ एक एक, एक स्टेप ठीक है तुम भी सॉल्व करो हम भी सॉल्व करते हैं ठीक है यहाँ लिखा है फॉर अ फील्ड एरिया ऑफ वन हेक्टेयर एक किसान है अपना उसका फील्ड का एरिया कितना है एक हेक्टेयर हेक्टेयर सबको पता होगा यार इतना तो आइडिया है सबको पता होना चाहिए कि एक हेक्टेयर मतलब होता है दस हज़ार मीटर स्क्वायर ठीक है एक दो तीन चार दस हज़ार मीटर स्क्वायर ठीक है बहुत गर्मी हो रही है जैकेट पहन के एकदम उतार दिया जाए क्या चलो देखते हैं अभी फील्ड कैपेसिटी ऑफ सॉइल जो है थर्टी है ठीक है फील्ड ऑफ सॉइल यहाँ पे थर्टी है मतलब थर्टी मतलब जीरो और परमानेंट बिल्डिंग पॉइंट यहाँ पे ग्यारह परसेंट है ये सब देखो प्लांट की एनालिसिस पूरी करके रखेंगे ठीक है ये सब हम लोग को पता होनी चाहिए सॉइल की डेंसिटी तेरह सौ के जी पर मीटर क्यूब दी गई है ये एफेक्टिव रूट जोन डेप्थ मतलब ये डी दिया गया है है ना डी फोर बताया था ना डी फोर दिया गया है फिर दिया है कि डेली कंजम्पटिव यूज़ ऑफ वाटर फॉर गिवन क्रॉप मतलब हमारी जो फसल है वो डेली कितना पानी पी रही है हमारी जो फसल है वो डेली कितना पानी पी रही है बारह एम mm. इसको हम लोग कंजम्पटिव यूज बोलेंगे सी यू ठीक है तुमने ईपो ट्रांसमिशन तो पढ़ी रखा है हाइड्रोलॉजी के अंदर वही कंजम्पटिव यूज है एक तरह से ठीक फिर क्या है सर मॉइस्चर कंटेंट मस्ट नॉट फॉल बिलो ट्वेंटी फाइव परसेंट अवेलेबल बिल्कुल सही वो सेवेंटी फाइव परसेंट ही बोल रहा है मतलब मतलब सर ये आपका फील्ड कैपेसिटी है ये आपका परमानेंट विल्डिंग पॉइंट है ठीक है ट्वेंटी फाइव परसेंट से नीचे मत जाइएगा मतलब अवेलेबल आपके पास सेवेंटी फाइव परसेंट ही है ठीक है ये अगर हंड्रेड परसेंट है तो ये आपका ट्वेंटी फाइव परसेंट है इसके नीचे मत जाइएगा गलती से भी तो हंड्रेड है लेवल आप ट्वेंटी फाइव परसेंट के बिलो मत जाइएगा मस्ट नॉट फॉल बिलो ट्वेंटी फाइव तो बिलो ट्वेंटी फाइव मत जाइएगा ये सेफ लिमिट हो गई तो अवेलेबल कितना रेडली अवेलेबल कितना हुआ सेवेंटी फाइव परसेंट सेम ही है ये सेम है जो हम लोगों ने पढ़ रखा है ठीक है हाँ चलो अब एक एक करके शुरू करते हैं पांच पार्ट हैं इस पांच पार्ट से तुमको सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे ठीक है एकदम क्लियर हो जाएगा तुमको सारा कि कितना पानी डालना है कितनी मोटर चलानी है सब कुछ क्लियर हो जाएगा यहाँ से ठीक है तो चलिए क्वेश्चन पढ़ लिया हम लोगों पहला बोल रहा है फाइंड द डेप्थ ऑफ रेडली अवेलेबल मॉइस्चर सभी लोग सॉल्व करें इसको तुम बताओ भैया कितना आंसर आएगा फाइंड द डेप्थ ऑफ रेडली अवेलेबल मॉइस्चर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा जरा जल्दी से निकाल के बताओ फॉर्म लगाना है हमको सिंपल ठीक है डेप्थ ऑफ रेडली अवेलेबल मॉइस्चर निकालना है इस तरह क्वेश्चन तुमको गेट में देखने को बहुत आराम से मिल सकता है कोई बड़ी चीज नहीं एक आध नंबर का पूछ लिया जाए इसमें से कोई भी एक पार्ट छोटा सा सॉल्व करते हैं हम लोग <coughs> तो आपने बोला सर डेप्थ ऑफ रेडली अवेलेबल मॉइस्चर निकाला जाए ठीक है तो फॉर्मूला आपने बताया गामा डी अपॉन गामा डब्लू इंटू डी डी फॉर डी फॉर डॉग नहीं क्या बोलोगे डी फॉर डी फॉर क्या था डेप्थ ऑफ रूट जोन है ना डी फॉर डॉग नहीं है सर डी फॉर डेप्थ ऑफ रूट जोन है और इस पूरी डेप्थ को हम लोग पूरी डेप्थ को हम लोग पॉइंट सेवन फाइव से एंटू करेंगे क्योंकि आपने बताया पिछहत्तर परसेंट क्वेश्चन ने दिया है क्वेश्चन ने सेफ लिमिट तो नहीं दिया है क्वेश्चन ने सेफ लिमिट नहीं दिया क्वेश्चन में ने परसेंटेज दिया तो वो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ठीक है ठीक तो एक भाविक लड़का है जिन्होंने निकाल भी दिया है वन ट्वेंटी पॉइंट सिक्स सेवन फाइव आ रहा है ना गावाडी तेरह सौ के जी पर मीटर क्यूब दिया है और एक चीज़ और गावाडी जो जिस यूनिट में है उसी यूनिट हम पानी की डेंसिटी भी रखेंगे जैसे इसकी यूनिट केजी पर मीटर क्यूब में दी है तो पानी की यूनिट भी हमें केजी पर मीटर क्यूब में रखनी पड़ेगी ये ग्राम पर सीसी तो ये भी ग्राम पर सीसी जिस यूनिट में ये उसी यूनिट में हमको नीचे वाला भी रखना पड़ेगा बात समझ रहे हो फिर डेप्थ ऑफ रूट जोन सात सौ एम दिया गया है क्वेश्चन में सात सौ एम फील्ड कैपेसिटी थर्टी परसेंट परमानेंट वल्डिंग पॉइंट ग्यारह परसेंट पीछे लिखा था सब कुछ ठीक है कुछ भी समझ ना रहो पीछे देख लो सब लिखा है सात सौ एम ग्यारह परसेंट तीस परसेंट तेरह सौ है ना सामने चुपचाप एकदम रख दिए शांति से फिर इसको ये सब कैंसिल हो जाएगा सर तो आपका जो डेप्थ ऑफ आया वन ट्वेंटी नाइन पॉइंट सिक्स सेवन एम सभी लोग बता रहे हैं हम कमेंट बॉक्स में देख पा रहे हैं वन सभी का लगभग लगभग आ रहा है ठीक है चलो ठीक है बहुत बढ़िया वेरी गुड इतना क्लियर है मतलब ये कह सकते हैं हम लोग कि चलो अभी आगे देखते हैं और क्या पूछ रहा है क्वेश्चन हमारा ये क्लियर हो गया ठीक है हम्म ये ड्राई दिया है हाँ ये ड्राई ही दिया होगा ये मानना पड़ेगा नहीं बोल रहे तो लिखा है तो बहुत ही अच्छी बात है नहीं लिखा तब भी लेके चलो क्योंकि यहाँ पे ड्राई निकालने का कोई ऑप्शन अपने पास है नहीं बचा ठीक है ये ड्राई है बिल्कुल बहुत सही जगह हुआ लड़का ये लड़का बहुत गहराई से पढ़ रहा है कौन है ये कौन है अर्पित ये होशियार लग रहा है हमको लड़का हाँ बिल्कुल सही अगर नहीं दिया होगा देखो तुम तुम बोल रहे हो कि अगर हम लोग को पानी के साथ का डेंसिटी दी गई है तो ऑब्वियसली तुमने फॉर्मला लिखा है ठीक है तुम गावाडे निकाल लोगे जो अपनी ओवरऑल डेंसिटी उसको वन प्लस डब्ल डिवाइड कर देंगे बिल्कुल सही कोई दिक्कत नहीं इसमें ठीक है एम एम को चेंज नहीं करेंगे एम एम को चेंज कर सकते हैं वो तो रिक्वायरमेंट है ठीक है जिसमें पूछेंगे वो बता देंगे हम लोग अभी तो समझ रहे हैं बस क्वेश्चन जिस तीनों ने अगला देखो क्या पूछ रहा है कि फाइंड द वाटरिंग इंटरवल आखिर हम कितने दिनों बाद पानी डालें अब देखो एक हमारी बर्तन है उस बर्तन में कितना पानी हम भर सकते हैं वन ट्वेंटी नाइन पॉइंट सिक्स सेवन अब हर दिन प्लांट पानी पी कितना रहा है बताओ हर दिन प्लांट कितना पानी पी रहा है एक बर्तन है जिसके अंदर आपने वन ट्वेंटी नाइन पॉइंट सिक्स सेवन एम एम पानी भर के रख दिया अब धीमे 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 पानी क्या हो रहा है ख़त्म हो रहा है और किस रेट से ख़त्म हो रहा है हर दिन कितना कितना हर दिन बताओ बिल्कुल सही वेरी गुड मतलब यहाँ पे आपने बोला अगला सिस्टम अगर हमको वाटरिंग इंटरवल का फॉर्मूला निकालना है ठीक है तो वाटरिंग इंटरवल फॉर्मला क्या हो जाएगा हमारा वाटरिंग इंटरवल क्या हो जाएगा कि सर कितना डेप्थ ऑफ रेडली अवेलेबल मॉइस्चर था आसानी से मिलने वाला पानी था उसको आप डिवाइड कर दीजिए कितना कंजम्पटिव यूज है डेली प्लांट कितना पानी डेली डेली पी रहा है ना तो हमने ये निकाला सॉल्व किया कितना आया ये 129 बताओ कितना आ रहा सॉल्व करो इतना पानी भरा हुआ है वहाँ पे प्लांट के लिए आसानी से मिलने वाला बारह एम पानी वो लोग हर दिन पी रहे हैं डेली तो कितने दिन आए लगभग लगभग टेन पॉइंट टेन पॉइंट एट थ्री आएगा है ना टेन पॉइंट एट आ रहा है एट जीरो सिक्स टू फाइव चलो टेन पॉइंट एट आ रहा है मोटा मोटा ठीक है सब लोग टेन पॉइंट एट बता रहे हैं तो जो तुम बता रहे हो वही लिख रहे हैं यहाँ पे इतना आया अब किसान को कितने दिनों बाद आके पानी डालना ही बताओ किसानों कितने दिन बाद आके पैंडल लाएँ कमेंट करो भाई टेन पॉइंट एट दिन बाद है ना लेकिन टेन पॉइंट एट वो एग्जैक्ट नहीं ना पाएगा तो या तो वो टेन दिन बाद आएगा तो इलेवन दिन बाद आएगा दो पहलू बन रहे हैं ठीक है अब सवाल यहाँ पर ये आ रहा है कि इसको हम टेन दिन पर राउंड ऑफ करें कि एलेवन दिन पर राउंड ऑफ करें चलो बताओ इसको राउंड ऑफ करना पड़ेगा क्योंकि पॉइंट एट हम नहीं समझ पाएंगे है ना इसको दस में करें कि ग्यारह में करें हम्म कई लोग हैं जो दस बता रहे हैं कई लोग हैं ग्यारह बता रहे हैं बहुत आसान कॉन्सेप्ट है यहाँ देखो तुमको समझ में आएगा अभी देखो ऐसा है समझने की कोशिश करेंगे ये मान लेते हैं सैचुएशन कैपेसिटी है ये मान लेते हैं फील्ड कैपेसिटी है ठीक है ये मान लेते हैं हमारा परमानेंट बिल्डिंग पॉइंट है और ये मान लेते हैं हमारा ज़ीरो वाला लेवल है ठीक है ये मान लेते हैं ज़ीरो वाला लेवल है अब देखो यहाँ पे क्या है <coughs> कि ये एक लेवल हमने डिसाइड किया कि इससे नीचे नहीं जाना है ये आपका ट्वेंटी फाइव परसेंट वाला लेवल है इसके नीचे तो जाने नहीं सर कसम खा के बैठे हुए हम लोग ये हमारी सेफ़ लिमिट मान लो ठीक अब आपने बोला कि सर इसके बीच में जो गैप है ये जो गैप आपने बताया ये आपने बताया एग्जैक्टली यहाँ तक का कितना बताया वन ट्वेंटी नाइन पॉइंट सिक्स सेवन पानी की डेप्थ से होता है ये पूरा जो कि सेवेंटी फाइव परसेंट है आपको पता है ना अब पानी अगर कम होगा देखो सुनना बहुत ध्यान से बात ये मान लो कम होना शुरू हुआ कम होना शुरू हुआ शुरू हुआ शुरू हुआ शुरू हुआ है ना और साफ बनाते हैं कम होते होते वन पानी कम हुआ लेकिन इस काम को होने में कितने दिन लगेंगे बताओ इस काम को होने में कितने दिन लगेंगे यहां तक पहुंचने में यह काम हो जाएगा कितने दिन में टेन पॉइंट कितना तुम बता रहे हो टेन पॉइंट एट दिन में टेन पॉइंट एट दिन में फसल इतना पानी पी लेगी लेकिन अगर हम इसको एलेवन दिन तक कर देंगे तो एलेवन दिन में बताओ ये लेवल और नीचे नहीं चला जाएगा तुम बताओ इलेवन दिन पे हम सेफ लिमिट के नीचे चले जाएंगे कि नहीं चले जाएंगे हाँ ग्यारह दिन में क्रॉप हल्ला मचा देंगी बिल्कुल सही बोल रहे हो तुम हाँ लेवन दिन देखो हम तुम एग्जैक्ट बता रहे हैं क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन में देखो क्या लिखा है यहाँ पे देखो ये कसम खा रहे हैं मॉइस्चर कंटेंट भगवान कसम मस्ट नॉट फॉल बिलो उस लेवल के नीचे नहीं जाना है किसी भी हालत में जो आपका पच्चीस परसेंट मार उसके नीचे अगर आपने ग्यारह दिन कर दिया तो वो लेवल उसके नीचे चला जाएगा बात समझो ठीक है क्योंकि आप 12 दिन बारह एम पानी हर दिन पी रहे हैं ग्यारह दिन में आपका एक सौ एम पानी खर्च हो जाएगा लेकिन भरा आपने सिर्फ वन ट्वेंटी वन था ठीक है बारह इंटू ग्यारह करो तो एक आएगा तो जब आप ग्यारह दिन तक पहुँच जाएंगे यहाँ ग्यारह लिखा होगा मान लो तो एक सौ एम पानी टोटल खर्च हो चुका होगा तो नीचे नहीं जाना है मैं गलती से भी तो थोड़ा पहले ही रुक जाइए कोई दिक्कत नहीं थोड़ा पहले ही रुक जाइए नो प्रॉब्लम कोई दिक्कत नहीं वाह पूरा ही उड़ गया थोड़ा पहले रुक जाइए कोई दिक्कत नहीं इसलिए हम लोग इसको टेन पे राउंड ऑफ करेंगे इसलिए हम लोग इसको टेन पे राउंड ऑफ़ करेंगे लेकिन सर एक समस्या और है अब टेन पे अगर इसको हम राउंड ऑफ़ करते हैं टेन पे अगर इसको राउंड ऑफ कर दें तो बताओ अगर हम टेन पे रुकते हैं मान लो ये टेन पॉइंट एट है ये टेन है तो टेन पे तो कितना पानी यहाँ पानी यहीं पर रुक जाएगा फिर आप यहीं से पानी फिर भर देंगे है ना टेन तो पीछे ही आएगा ना थोड़ा सा आपने यहीं पानी भर दिया पूरा फिर वो धीमे धीमे कम होगा तो हमने हम दस दिन पर रुक जाएंगे हम ये इसलिए लेंगे हम इसको चूज़ करते हैं इसका बहिष्कार करते हैं क्योंकि इसमें आप लेवल के नीचे चले जाएंगे तो हम बिल्कुल ही गुजारा नहीं है अच्छा दस दिन में कितना पानी कंज्यूम होगा टोटल वाटर कंज्यूम्ड इन टेन डेज कितना हो जाएगा बताओ टोटल वाटर कंज्यूम्ड इन टेन डेज क्योंकि हम दस दिन में राउंड ऑफ करेंगे इसको कितना हो जाएगा सर हर दिन क्रॉप हमारी बारह एम पानी पी रही हैं बारह एम हर दिन तो दस दिन में कितना दस दिन में कितना एक सौ बीस एम मतलब दस दिन में ये जो आपने देखा यहाँ पे यहाँ यहाँ से यहाँ तक का जो लेवल है ये ये हमारा कितना है एक सौ बीस ये एक सौ बीस एम एम है बात समझ में आई ये एक सौ बीस एम जो एक्चुअल में खर्च हो रहा है मतलब यहाँ पे आप रुक जाएंगे आप वन ट्वेंटी नाइन तक का इंतजार नहीं करने वाले यहाँ पे ठीक है तो दस दस दिन में किसान को आना है और एक सौ बीस एम एम पानी गहराई अप्लाई करनी है ठीक है hmm. हाँ जा सकते हैं लेकिन इतना दिमाग बेटा अर्पित तुम्हारे पास ही है ना यार चीज़ों को आसान करना है हम लोग को चलिए वाटरिंग इंटरवल हमने टेन डेज ले लिया यहाँ पे ठीक है यहाँ पे लिख देते हैं चलो लिख समझ गए हो कितना तुम लोग यार इसमें क्या लिखना तो चलिए सर हमारे दोनों पार्ट क्लियर हो गए अब तीसरा पार्ट यहाँ पे क्या कह रहा है तीसरा पार्ट यहाँ पे क्या कह रहा है सर ये क्लियर ये क्लियर अब तीसरा बोल रहा है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ टाइम्स कितनी बार यहाँ पे पानी डालना पड़ा पूरे जीवन में भाई फसल तीन चार महीने रहती है और उसको अपने पूरे जीवन में जो फसल है उसको पूरे जीवन में जो पानी पीना है इसको डेल्टा बोलते हैं डेल्टा मतलब ये ट्राइंगल देखा होगा तुमने एक बिंगो का मेड एंगल वाला एड आता है ऐसे ऐड आता है जिसमें हर एंगल से सेम होता है एड देखे होगा नहीं वाला वही है डेल्टा एक टोटल जीवन में जितना पानी उसको चाहिए वो क्या है डेल्टा अब अगर 120 सेंटीमीटर पानी उसको पूरे जीवन में चाहिए और हर बार हम कितना पानी देके जा रहे हैं बताओ हर बार हम कितना पानी देके जा रहे हैं पहले ये बताओ तुम बाकी बातें बाद में करेंगे है? हम हर बार उसको कितना पानी देके जा रहे हैं ये बता दो पहले ज्यादा दूर मत जाओ सर आप यहां पे कह रहे हैं नंबर ऑफ टाइम्स इरीगेशन बी डन नंबर ऑफ टाइम्स इरीगेशन रिक्वायर्ड इज फॉर्मूला क्या है बहुत सिंपल टोटल डेल्टा उसके पूरे जीवन में कितना पानी पिएगा क्रॉप का ठीक है टोटल डेल्टा क्रॉप का अपॉन आप एक बार में कितना पानी अप्लाई कर रहे हैं मतलब रेडली अवेलेबल मॉइस्चर की डेप्थ जो कि हम लोग ने अभी निकाली है 120 ठीक है क्लास का नोट भेज देंगे बेटा टेंशन मत लो देखो डेल्टा कितना है सर 1200 120 सेंटीमीटर मतलब 1200 सौ mm. एम टोटल पूरे जीवन में उसको इतना चाहिए और एक बार में हम 120 एमएम mm पानी अप्लाई कर रहे हैं वो भी 10वें दिन में जाके 120 एमएम mm पानी प्रति टाइम मतलब पर टाइम लिख सकते हैं या पर बारी हर बारी है ना 120 mm एमएम ईच टाइम पर इरिगेशन लिख लूँ है ना पर इरिगेशन हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं ठीक है तो टोटल टाइम्स लिख लो बल्कि यहां तो सबसे बढ़िया भैया पर टाइम प्रोवाइड कर रहे हैं ना हर दसवें दिन आके तो टोटल हमको यहां पे दस बार पानी डालना पड़ेगा टेन टाइम्स टोटल हमको यहां पे टेन टाइम्स पानी डालना पड़ेगा ठीक है सब लोग समझ पा रहे हैं बहुत ऐसी बात है मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं पानी के लेवल सर यहां से घटके पहले दस दिन में एक सौ ये एक सौ है कम होगा फिर आप भर देंगे फिर एक सौ कम हो जाएगा दस दिन में ठीक है ऐसा एक बार दो बार तीन बार चार बार ऐसा कितनी बार हो जाएगा टोटल ये डायग्राम तुम्हारा समझ रहे हो ना वही जो बताता है अभी पीछे ऐसा सा टोटल कितनी बार हो जाएगा टेन टाइम्स ये टेन टाइम्स होगा और आप देखेंगे भाई बीज आपकी एकदम बढ़ के खेल उठेगी ठीक है ये आपका फील्ड कैपेसिटी ये आपका सेफ लिमिट इसके नीचे आप नहीं जा रहे हैं ठीक है आपने डिसाइड किया ये अब तीसरे पार्ट पे आते हैं समझ गए हाँ टोटल सौ दिन ये तो मैंने बिल्कुल सही कैलकुलेट किया अब आप दस दिन में पानी डाल लें एक सौ बीसवें दस दिन में एक सौ बीसवें पानी डाल लें तो टोटल सौ दिन आपकी फसल वहाँ पर रही फिर आप कटाई कर लीजिए है ना हार्वेस्टिंग कर लीजिए मतलब अब बोला है कि भाई फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर दैट हैज टू बी अप्लाइड टू द फील्ड बाय द किसान ऑब्वियस बात है किसान भाई जब हर बार आ रहे हैं दस दस दिन में नहा धो के एकदम तो एक बार में कितना पानी डालेंगे अपने खेत में तो हमारे खेत का एरिया कितना है बेटा हमारे खेत का एरिया कितना है एक हेक्टेयर हमारे खेत का एरिया कितना है सर एक हेक्टेयर तो आप देखिए यहाँ पे बहुत सिंपल हो जा रहा है अब तो चौथा पार्ट वॉल्यूम ऑफ वाटर वॉल्यूम ऑफ वाटर अप्लाइड एवरी टाइम तो हर बार जब वो आएंगे नहा धो के वाटर अप्लाइड ईस्ट टाइम वेरी सिंपल कुछ नहीं करना है इसमें एरिया इनटू कितनी डेप्थ अप्लाई की गई हर बार अब फील्ड का एरिया कितना है सर एक हेक्टेयर हेक्टेयर को अगर हम मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करें तो टेन की बार फोर मीटर स्क्वायर एरिया हो गया और डेप्थ कितनी सर एक सौ बीस एम एम एक सौ बीस एम एम को मीटर में तो कन्वर्ट कर ही लोगे तुम लोग एम mm एम को मीटर में करने के लिए थाउजेंड डिवाइड करना पड़ता है इतना मीटर क्यूब पानी कितना हो गया करो भैया सॉल्व करो जल्दी एक दो तीन तीन हट गए बारह सौ बारह सौ मीटर क्यूब पानी हर बार किसान भाई को अपने खेत में फैलाना पड़ेगा बात समझ में आ रही है और इससे ज़्यादा ही देना पड़ेगा क्योंकि कुछ, कुछ पानी रन ऑफ और परकुलेशन लॉस भी हो जाते हैं ठीक है लॉसेस भी होते हैं तो इससे ज़्यादा ही देना पड़ता है क्योंकि एफिशिएंसी भी देखनी पड़ती है वो हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे अभी पहले बेसिक समझ लेते हैं धीमे धीमे सारी चीज़ें कैलकुलेट करते हैं हम लोग ठीक है तो आई होप ये बात तुमको अच्छे से क्लियर हो गई है यहाँ पर ठीक ठीक है फिर पाँचवा पार्ट क्या बोल रहा है हर बार बारह मीटर क्यूब पानी वो फैला के जाएगा तुम देख रहे हो एरिया का कॉन्सेप्ट यहाँ पर एरिया इन डेप्थ लास्ट बोल रहा है कि जब वो दसवें दिन में नहा धोकर आएगा भाई है ना तो उसे कितनी देर तक मोटर को या ट्यूबवेल को चलाना पड़ेगा जब ट्यूबवेल से हर सेकंड में 0.02 मीटर क्यूब पानी बाहर आ रहा है ट्यूबवेल से हर सेकंड में 0.02 मीटर क्यूब पानी बाहर आ रहा है तो उसको मोटर कितनी देर चलानी है ट्यूबवेल कितनी देर चलाना है अपना ठीक है जनरली ट्यूबवेल रहता है ठीक है जनरली ट्यूबवेल रहता है आगे हम तुम्हें और भी तरीके बताएंगे किस तरह क्या क्या होता है तो टाइम क्वायर्ड ठीक है टाइम रिक्वायर्ड कितना हो जाएगा हमारा टाइम रिक्वायर्ड फॉर इरीगेशन बल्कि ये ना लिखें हम लोग लिख सकते हैं टाइम रिक्वायर्ड बाय ट्यूबवेल टू इरिगेट एवरी टाइम कितना हो जाएगा बताओ तुम लोग निकालो सिंपल जो भी टोटल वॉल्यूम है हमारी है ना और अपॉन हम लोग यहाँ पे डिस्चार्ज कर देंगे तो वॉल्यूम हमारी कितनी बारह सौ मीटर क्यूब और हर सेकेंड कितना पानी निकल रहा है उस ट्यूब से ज़ीरो पॉइंट जीरो टू मीटर क्यूब पर सेकेंड है ना कितना है यार इसको सॉल्व करोगे तो ये दो जीरो छः आ जाएगा है ना एक दो तीन चार एक दो तीन चार हम ये मान के चल रहे हैं हम सब कुछ सही सॉल्व कर रहे हैं ऐसा हम अपने मन में मान रहे हैं कुछ गलत हो जाए तो बता देना हमको ठीक है साठ हज़ार सेकेंड इसको तुम यार घंटे में कन्वर्ट कर लो तो छत्तीस सौ से डिवाइड कर देंगे है ना इसको छत्तीस सौ से डिवाइड करेंगे तो वन सिक्स पॉइंट सिक्स सोलह पॉइंट कुछ आएगा है सोलह पॉइंट छः सिक्स सिक्स आ जाएगा लगभग लगभग हमारे हिसाब से हमको लग रहा है हमने सही किया है सेकेंड हो तो आर में मिनट में तुम कन्वर्ट कर ही लोगे बड़ा काम नहीं है ठीक है तो लगभग लगभग उसको कितना हाँ देर मोटर चलानी पड़ेगी दस दिन में जब वो दसवें दिन लौट के आएगा तो ट्यूबवेल को अपने खेत में सोलह घंटे चलाएगा आठ घंटे सुबह मान लो आठ घंटे इस तरह से मतलब शिफ्ट में चला देगा कोई वो ज़रूरी नहीं कि एक साथ ही चले ठीक है चार चार घंटे चल करके चला दिया मतलब दसवें ग्यारहवें दिन में उसने इतना पानी देना पड़ेगा तो देखो पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया बन गया साइंटिस्ट की नहीं बताओ मज़ा आया कि नहीं एकदम मज़ा आया कि नहीं बताओ जल्दी से तो यहाँ पे तुम्हें इस क्वेश्चन के साथ सब कुछ समझ में आ गया कि हम लोग डेप्थ में इतना इंटरेस्टेड क्यों हैं हम लोग इतना डेप्थ में इंटरेस्टेड क्यों है ये फॉर्मूला बहुत ज़रूरी है गेट में पूछा सकता है हम लोग कुछ और क्वेश्चन करते हैं कुछ और क्वेश्चन करते हैं जो गेट में पूछा जा सकते हैं ठीक है इसमें बढ़िया मज़ा आ गया सबको एकदम ठीक है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट सब कुछ क्लियर हो गया तो तुम्हें एक्जाम्पल के साथ इस तरह के प्रश्न बनते हैं एग्जाम में ठीक है एक आध छोटे मोटे कॉन्सेप्ट और हैं उसको भी हम लोग देखते हैं उससे पहले हम लोग एक चीज़ समझ लेते हैं यहाँ पे कि ये देखो इधर डायग्राम ठीक है डायग्राम इसमें क्या है जो हमारी जड़ है बहुत चालू है चालू मतलब होशियार होशियार मतलब हुश्यार कह लो या पक्षपाती कह सकते हैं हम लोग जो नीचे की जड़ है वो ज्यादा पानी नहीं खींच रही मतलब अगर मान लीजिए इस पूरे जोन में पानी है ऐसा पूरा पानी से भरा हुआ है मान लीजिए पानी है अच्छे से अवेलेबल तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पे कि जैसे मान लो इस पूरी रूट जोन को चार हिस्सों में बांट दो एक दो तीन चार चार हिस्सों में बराबर बराबर आप बांट दीजिए ठीक है क्वार्टर बोलते हैं एक क्वार्टर दूसरा क्वार्टर तीसरा क्वार्टर और चौथा क्वार्टर तो जो सबसे ऊपर का क्वार्टर है सर आप समझने की कोशिश करिए सबसे ऊपर के क्वार्टर में सबसे ज़्यादा पानी का एक्सट्रैक्शन हो रहा है चालीस परसेंट मतलब जड़ जितना पानी पीती है उसका चालीस परसेंट सिर्फ ऊपर के क्वार्टर से वो खींचती है फिर सेकेंड क्वार्टर से थर्टी इससे ट्वेंटी इससे टेन मतलब सबसे नीचे की रूट्स सबसे कम पानी को एब्जॉर्ब करती है मतलब ऊपर का हिस्सा बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉप सॉइल की तरफ तो 40, 30, 70, 70, 20, 90, 90 और 10, 100, 100 परसेंट पानी वो एक्सट्रैक्ट करती है तो तुम्हें पता होना चाहिए कि ज़्यादा कहाँ से एब्जॉर्ब कर रही है ऊपर के साइड से ठीक है ऊपर के साइड से अच्छा मजा आया कह रहा पानी देने जाऊंगा कैलकुलेट करके चलो बहुत बढ़िया बात है थैंक यू बेटा सुदीप बहुत आगे जाओगे बेटा जीवन में तुम ठीक है सर की तारीफ़ जो करते हैं वो जीवन में आगे जाते ही जानते हो थोड़ा समय भले ही लग सकता है लेकिन आगे जरूर जाना है तुम्हें सर फर्स्ट पार्ट का आंसर रीचेक करके वन ट्वेंटी में करेंगे हाँ बिल्कुल क्योंकि मैं राउंड ऑफ करना है ना हमें कैलकुलेशन आसान करनी है यार भाई हमें उसको टफ थोड़ी करना हम टेन पॉइंट एट थ्री क्यों करेंगे भाई हम वहाँ पे अपने बर्तन में वन ट्वेंटी नाइन पानी वन ट्वेंटी नाइन एम एम स्टोर कर सकते हैं अक्षय बात समझो लेकिन हमने उसे वन ट्वेंटी क्यों कर दिया कि राउंड ऑफ करके थोड़ा कैलकुलेशन आसान कर दी कि दस दिन में वन ट्वेंटी खत्म हो जाएगा तो हम वन ट्वेंटी भरते रहेंगे ठीक है ठीक चलिए बात हमको समझ में आ गई ये एक्सपेरिमेंट में ऐसा देखा गया है कि रूट्स जो है ऊपर से पानी आसानी से एक्स्ट्रैक्ट करती हैं ठीक है, है? ज़्यादा ज़्यादा मतलब कह सकते हैं कि मतलब इनका दिमाग मान लो यहाँ ऐसा जैसे हमारी जो बॉडी होती है हमारी बॉडी की हंड्रेड परसेंट एनर्जी में से हमारा जो ब्रेन है मात्र दो सौ ढाई सौ ग्राम का ठीक है नहीं वैसे दो सौ ढाई सौ ग्राम बहुत कम बता दिया हमने सवा किलो का लगभग होता है शायद इसकी वॉल्यूम लगभग सत्रह सौ सेंटीमीटर क्यूब होती है सत्रह सौ नहीं बारह सौ सेंटीमीटर क्यूब वहाँ चलो जो भी वॉल्यूम वेट है उसको हमको नहीं पता लेकिन हमारा ये छोटा सा ब्रेन जो यहाँ तुम देख रहे हो जो बॉडी का दो परसेंट भी दो पाँच परसेंट ऑक्यूपाई करता है वॉल्यूम में लेकिन पच्चीस परसेंट एनर्जी को खर्च करता है पूरी बॉडी की ट्वेंटी फाइव से थर्टी परसेंट एनर्जी अकेला ब्रेन कंज्यूम कर रहा है समझ लो बहुत बड़ी चीज़ है वैसे तुम समझ लो कि इन रूट्स का दिमाग यहाँ पे है एक तरह से है ना चलो फिर तो ये बात हो गई और इससे भी जुड़े हुए हम क्वेश्चन आगे देखेंगे ठीक है कभी कभी क्या होता है क्वेश्चन के अंदर गामा डी और गामा डलू नहीं दिया होता है जैसे हमको अभी क्वेश्चन ने जो किया था उसके अंदर तेरह सौ दिया हुआ था एक क्वेश्चन गेट में ये भी आया हुआ है तो नोट डाल के तुम चाहो तो ये भी लिख सकते हो गामा डी और गामा डलू नहीं दिया होता है तो उन्होंने गामा डी और गामा डलू की जगह वो तुमको पोरोसिटी और फील्ड कैपेसिटी देंगे तो जिस क्वेश्चन में पोरोसिटी और फील्ड कैपेसिटी दें वहाँ पे गामा डी अपॉन गामा डलू की जगह तुम ये वैल्यू रख सकते हो ठीक है इसका प्रूफ पीछे है लेकिन ज़रूरी नहीं है जानना तो तुम इसको स्किप कर सकते हो चाहो तो पोरोसिटी और फील्ड कैपेसिटी रिलेशन बना के तुम देख सकते हो कि यहाँ पर ये रिलेशन बन के आ जाता है कि गामा डी इज़ इक्वल टू गामा डब्लू पोरोसिटी वन एफ सी तो छोड़ दो इसको फिलहाल तुम बस इतना याद रखो किसी किसी क्वेश्चन में जब गामा डी अपॉन गामा डू ना दें तो हम लोग पोरोसिटी अपॉन फील्ड कैपेसिटी करके उस जगह रख के फिर डेप्थ ऑफ वाटर निकाल देंगे ठीक है और ये रिलेशन तभी वैलिड है जब हम ये मानते हैं कि फील्ड कैपेसिटी तब है जब सारे वॉइड्स भरे हुए हैं वैसे जब सारे वॉइड्स भरे होते हैं तो सैचुरेशन कैपेसिटी होता है जब सारे वॉइड्स भरे होते हैं तो सैचुरेशन कैपेसिटी होता है लेकिन हम यहाँ पे मान के चल रहे हैं ले लिया हमने कि यहाँ पे सारे वर्ड जब उसको फील्ड कैपेसिटी मान रहे हैं ठीक है वरना यहाँ पे कायदे से देखा जाए तो पोरोसिटी कैपेसिटी होना चाहिए लेकिन के नहीं दी होती है फील्ड कैपेसिटी दी होती है ठीक है कुछ क्वेश्चन देखते समझ में आएगा तुमको <coughs> इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे सब लोग हमारे साथ कैलकुलेटर उठाओ बेटा फटाफट हमारा पेन कहाँ फेंक दिए पेन कहाँ गया हाँ ये रहा ठीक है ठीक है? <laughs> ठीक है लड़का तारीफ़ करना शुरू कर रहा है एकदम आगे जाने के लिए बहुत अच्छी बात है चलिए सर तो इसका सोल्यूशन देखते हैं इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि द डेप्थ ऑफ मॉइस्चर इन रूट जोन एट फील्ड कैपेसिटी एंड पी डब्ल्यू पी पर मीटर डेप्थ ऑफ सॉइल सॉइल की एक मीटर अगर डेप्थ है सॉइल की अगर एक मीटर डेप्थ है तो फील्ड कैपेसिटी की जो डेप्थ है डेप्थ ऑफ वाटर एट फील्ड कैपेसिटी कितनी दी गई है पॉइंट फाइव मीटर लिखा है यहाँ पे ये मीटर 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 पर पर ऑफ मतलब सॉइल की गहराई एक मीटर है रूट जोन की गहराई एक मीटर मान लो तुम चाहो तो रूट जोन की गहराई मीटर मान लो मतलब हमको एक मीटर सॉइल से मतलब है पर मीटर लिखा हुआ है यहां और ऐसे ही यहाँ पे दिया गया है कि डेप्थ ऑफ वाटर परमिनट बिल्डिंग पॉइंट पे कितना है मीटर ठीक है ऑब्वियसली परमिनटिंग पॉइंट पे पानी का लेवल जो होगा वो कमी होगा पॉइंट टू मीटर दिया गया पर मीटर ठीक है कह रहा है कि फाइंड करिए कंप्यूट करिए फील्ड कैपेसिटी और परमानेंट बिल्डिंग पॉइंट बहुत सिंपल है कुछ नहीं करना बताओ कैसे होगा चलो सॉल्व करो जरा फटाफट कमेंट करेंगे भाई सब लोग हम यहाँ पे कैसे कैलकुलेट कर देंगे सर यहाँ बोल रहा है आपने फॉर्मूला पढ़ा है कि डेप्थ ऑफ वाटर रिक्वायर्ड टू रीच फील्ड कैपेसिटी क्या पढ़ा है आपने क्या पढ़ा है गामा डी अपॉन गामा डब्ल्यू इंटू डेप्थ ऑफ रूट जोन एफ सी माइनस ज़ीरो है ना फील्ड कैपेसिटी तक का अगर आपको पानी चाहिए मान लीजिए ये ज़ीरो है ये आपका एफ है और ये आपका पी डब्ल्यू मान लीजिए है ना तो अगर आपको ये डेप्थ दी गई है जीरो पॉइंट फाइव मीटर एम मीटर दी हाँ ये ज़ीरो पॉइंट फाइव मीटर दी गई है ये ज़ीरो पॉइंट टू मीटर दी गई है ठीक है तो डेप्थ आपको दी गई है इस बार इस बार आपको डेप्थ दे दी गई है आपको एफ सी निकालना है उल्टा पूछ लिया है इन्होंने कन्फ्यूज़ नहीं होना है उल्टा पूछ लिया है हाँ डी को वन ही लेना पड़ेगा बिल्कुल सही पर मीटर देखो इन्होंने क्या बोला जीरो पॉइंट फाइव मीटर पर मीटर वन मीटर ये है देखो लिखा हुआ है ना ये जीरो पॉइंट फाइव मीटर क्या है डेप्थ ऑफ वाटर है ये पर मीटर क्या है पर मीटर डेप्थ ऑफ रूट जोन है तो गा डी डब्ल्यू अपॉन डी की वैल्यू पॉइंट फाइव मीटर पर मीटर मतलब तो जीरो पॉइंट फाइव दिया गया है ठीक है रख दो तो बल्कि कोई दिक्कत नहीं है चलो सॉल्व करते हैं इसको हम लोग <coughs> कितना आ रहा तुम बताओ इसको रखा सर हमने ज़ीरो पॉइंट फाइव मीटर आपके कहने पे गामा ड्राई डेंसिटी कितनी दी गई है तेरह पॉइंट सात तीन किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर डिवाइड अच्छा गामा डब्लू किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर में कितना होता है नाइन पॉइंट एट वन होता है पानी की वही यूनिट रखेंगे जो गामा डी की है ठीक है पानी की डेंसिटी हम उसी यूनिट में रखेंगे पर मीटर क्यूब होगा यार डेंसिटी है ना यार मीटर स्क्वायर नहीं होता डेंसिटी में थोड़ा सा मिसप्रिंट है यहाँ पे सही कर लो मीटर क्यूब हो जाएगा हम्म ये वन मीटर है तो बताओ एफ कितना आ रहा है तुम लोग बताओ यार यहां से एफ कितना आ रहा है तुम लोग बताओगे कमेंट देखें तुम्हारा हाँ जीरो पॉइंट थ्री फाइव सेवन टू बिल्कुल सही है थ्री फाइव सेवन टू सब लोग निकाल रहे हैं ठीक है वेरी गुड जीरो पॉइंट थ्री फाइव सेवन टू सभी कमेंट कर रहे हैं या परसेंटेज में लिखें तो थर्टी फाइव पॉइंट सेवन टू हो जाएगा बहुत बढ़िया इसी तरीके से हम लोग निकाल लेंगे ये अपना सिस्टम हो गया किसका फील्ड का ऐसे ही तुम निकाल लो परमानेंट विल्डिंग पॉइंट का परमानेंट विल्डिंग पॉइंट का हम यहाँ कर देते हैं चलो परमानेंट विल्डिंग पॉइंट कितना आ रहा है पीडब्ल्यू माइनस जीरो पी डब्ल्यू माइनस जीरो के ये जीरो पॉइंट टू मीटर है ठीक है ये तुम्हारा जीरो पॉइंट टू मीटर है और ये तुम्हारा जीरो पॉइंट फाइव मीटर है ठीक कुछ क्वेश्चन कर लेंगे देखो तुमको पूरा क्लियर हो जाएगा गेट के साथ आराम से हो जाएंगे फिर ये कितना है जीरो पॉइंट टू मीटर कितना है तेरह सौ तेरह पॉइंट सेवन तीन ये नाइन पॉइंट एट वन ये वन तो पी डब्ल्यू पी यहाँ से आ रहा है कितना तुम लोग कमेंट करो भाई कितना हाँ 14 14.28 पॉइंट टू एट पॉइंट वन फोर टू एट आएगा परसेंटेज में हो जाएगा 14 पॉइंट टू एट परसेंट बिल्कुल सही निकाला है बहुत ही बेहतरीन शानदार जबरदस्त ठीक है एकदम कॉन्सेप्ट सही है चलो अब बताओ आगे अगला सवाल लेंगे हम लोग यहाँ पे एक सेकंड रुक जाओ ज़रा हाँ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है हमारा कंप्यूटर जी नेक्स्ट क्वेश्चन लाइए जल्दी से ये है अगला क्वेश्चन ये बताओ भाई हमको कैलसी ख़राब हो रहा है अच्छा सही से रखो बेटा ध्यान से एकदम ये गलतियां गेट में होंगी तो दिक्कत हो जाएगी ना ठीक है कैल्सियम वैल्यू सही से रखो एग्जाम में प्रॉब्लम होती है ठीक है और हो पाए तो गेट का जो कैल्सी का देखो उसमें और नाइन एन वन वाले कैल्सियम फर्क होता है इसमें तुम यहाँ पे नंबर पहले रख के ऑपरेशन लगाते हो वहाँ पे पहले ऑपरेशन फिर नंबर होता है थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेना एक बार यहाँ से पढ़ने की बात और कहीं से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है बहुत अच्छी बात है वेरी गुड हाँ गेट वाले तो गेट वाले अपना कैलकुलेटर नहीं देते हैं वो अपना वो उस ऑनलाइन पेपर होता है उसमें कैलकुलेटर बना होता है उसी कैलकुलेटर में टाइप कर करके कैलकुलेट करना पड़ता है ठीक है क्लास कब तक चलेगी दो घंटे चलती बेटा रोज क्लास चलो क्वेश्चन लगाओ क्लास के टाइम पे ध्यान मत लगाओ इस समय एग्जाम निकालना है अभी अभी फोकस करो कैसे पेपर निकलेगा हाँ साढ़े तेरह सेंटीमीटर आ रहा है पहला लोम सॉइल लो मतलब सैंड सिल्ट और क्ले का मिक्सचर फील्ड कैपेसिटी दी गई है पर विल्टिंग कोफिशेंट दिया गया है ड्राई यूनिट दिया गया है रूट जोन की डेप्थ दी गई है स्टोरेज कैपेसिटी पूछी गई है बहुत सिंपल है ठीक है मतलब डेप्थ ऑफ वाटर पूछा गया है तो वही गामा डी हमारा कितना है दिया है सब कुछ दिया हुआ आराम से निकाल देंगे फटाफट ठीक है तो स्टोरेज कैपेसिटी हमारी जो हो जाएगी यहाँ पे गामाडी कितना दिया गया तुम बता रहे हो कितना दिया है भाई डेढ़ दिया है डेढ़ ग्राम पर सीसी अब यहाँ पे इन्होंने सॉइल की जो डेंसिटी डेढ़ ग्राम ग्राम पर सीसी में रखी है तो पानी की डेंसिटी उनको ग्राम पर सीसी में रखनी पड़ेगी ठीक है डेप्थ ऑफ रूट जोन साठ सेंटीमीटर रखा फील्ड कैपेसिटी पच्चीस परसेंट पर हंड्रेड दस परसेंट मतलब पॉइंट वन ये सॉल्व करा तो तुम लोग बोल रहे हो कितना आ रहा है पंद्रह इंटू साठ इंटू पंद्रह इंटू साठ साढ़े तेरह सही कह रहे हो तुम लोग टू पॉइंट टू फाइव इंटू है डेट थर्टीन पॉइंट फाइव सही आ रहा है ये कैंसिल सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा फिर सेकेंड पार्ट बोल रहा है क्या सेकेंड पार्ट यहाँ पे क्या बोल रहा है इफ इरीगेशन वाटर इज अपलाइड वेन मॉइस्चर कंटेंट फॉल्स टू फिफ्टीन परसेंट ठीक है देन डिटरमाइन द डेप्थ ऑफ वाटर वाटर टू इफ एप्लीकेशन पॉइंट बहुत सिंपल देखो बात समझो ध्यान से सेकेंड पार्ट को बता पा रहा है सेकेंड का बारह सेंटीमीटर बता रहा है सुनो ध्यान से इधर सुन लो जरा पहले सर आप देखिए यहाँ पच्चीस परसेंट लिखा है क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट देखिए पच्चीस परसेंट यहाँ लिखा हुआ है दस परसेंट इसका परमानेंट बिल्डिंग पॉइंट है ठीक है लेकिन हम पानी को कहाँ तक फॉल करने दे रहे हैं बताओ हम पानी को कहाँ तक फॉल करने दे रहे हैं सर आपने बोला सिर्फ पंद्रह तक ये पंद्रह कहीं बीच में ही आएगा मतलब हमको ये वाली डेप्थ निकालनी है ये वाली डेप्थ अब इन्होंने इस बार ये नहीं बोला कि इस पूरे का पिछहत्तर परसेंट कर दो इन्होंने यहाँ पे इन्होंने सेफ लिमिट फाइव की वैल्यू दे दी है इन्होंने एफ सी दिया फाइव दे दिया फाइव कितना पंद्रह परसेंट समझ में आई बात की नहीं आई तो अगर हम यहाँ पे डेप्थ ऑफ रेडली अवेलेबल मॉइस्चर निकालें तो कितना हो जाएगा सर सब कुछ लगाएंगे गामा डी डीपोन गामा डलू वही फॉर्मला पूरा सेम बस एफ सी माइनस फाइव हो जाएगा सेफ लिमिट इन्होंने दे दी तो देखो क्वेश्चन थोड़ा ट्विस्ट है हल्का सा ट्विस्ट है हम तुमको हर टाइप क्वेश्चन करा दे रहे हैं क्लास में ठीक है ये डेढ़ है ये वन है ये साठ वही है सेम ठीक है ये पच्चीस लेकिन यहाँ पे पंद्रह परसेंट तो हमको एक्जैक्टली exactly इसके बीच का कर... देखिए ये तो साढ़े तेरह सेंटीमीटर आप निकाल लिया अभी इसको निकालेंगे तो कितना आ रहा है ये देखो साठ इंटू डेढ़ नौ आ जाएगा ये लगभग नौ सेंटीमीटर आएगा ये मतलब ये आपका नाइन सेंटीमीटर है और ये आपका साढ़े तेरह सेंटीमीटर है ठीक है नौ सेंटीमीटर आसानी से मिलने वाला पानी है क्लियर है सबको सब नाइन बता रहे हैं वेरी गुड बहुत बढ़िया लेकिन क्वेश्चन यहाँ पूछा गया है कि अगर वाटर एप्लीकेशन सेवेंटी फाइव परसेंट है मतलब हमको एक्चुअल अप्लाई कितना करना पड़ेगा एक्चुअल डेप्थ ऑफ वाटर टू बी अप्लाइड क्या हो जाएगा हमको एफिशिय डिवाइड करना पड़ेगा बिल्कुल एक बच्चे ने आंसर निकाल भी दिया है हम यहाँ पे क्या करेंगे जो भी डेप्थ की रिक्वायरमेंट है बल्कि हम यहाँ पे लिख देते हैं रिक्वायर्ड डेप्थ को डिवाइड कर देंगे वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी से तो ये नाइन को हम डिवाइड करेंगे पिछत्तर परसेंट से तो ये कितना आ जाएगा डिवाइड करोगे तो थ्री बाई फोर करोगे तो ये बारह सेंटीमीटर आ जाएगा मतलब मतलब ये है मतलब ऐसा है सर समझिए बहुत ध्यान से आप बारह जब अप्लाई करेंगे तो नौ सेंटीमीटर तो वहां पर रुक जाएगा आप देंगे बारह नौ वहां पर इस्तेमाल होगा नौ आपके जड़ जड़ों के लिए इस्तेमाल होगा बचा हुआ तीन कहाँ जाएगा बताओ कमेंट करो बचा हुआ तीन कहाँ जाएगा कमेंट करेगा हमको सर बचा हुआ तीन सेंटीमीटर आपका क्या हो जाएगा लॉस हो जाएगा किस चीज में रन ऑफ में डीप परकोलेशन में आप फील्ड में जब पानी छोड़ेंगे तो रन ऑफ और परकुलेशन की वजह से लॉसेज होते हैं आसान चीज़ है ठीक है तो बारह आपको अप्लाई करना पड़ा फील्ड में ये फील्ड की रिक्वायरमेंट है लेकिन जो नेट पानी वहाँ बचा जड़ों के लिए वो आपका नौ है ठीक है और ये नौ पिछहत्तर परसेंट है और ये बचा वो पच्चीस परसेंट जो कि तीन सेंटीमीटर वो लॉस हो जाएगा समझ गए ठीक है चलो सबको सही से समझ में आ गया एफिशिएंसी डिवाइड करके निकाल देंगे हम लोग ठीक है तो हमको बड़ी डेप्थ मिल जाएगी जो एक्चुअली अप्लाई करनी पड़ेगी एफिशिएंसी का भी खेल होता है ठीक है एफिशिएंसी का भी थोड़ा खेल होता है तो ये भी एक अच्छा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है इसमें फाइ का कॉन्सेप्ट हमको समझ में आया ना एफिशियसी का समझ में आया ठीक है और क्वेश्चन करते हैं यहाँ पे एक सेकेंड रुक जाओ जरा हूँ दो तीन क्वेश्चन करने पड़ेंगे हम लोग को तब थोड़ा सा और अच्छे से क्लियर हो जाएगा चलो अगला क्वेश्चन ये बताओ जरा चलो क्वेश्चन करो बेटा सब यही गेट चल रहा है इस समय सीधे गेट का क्वेश्चन चल रहा है एकदम ठीक है सर एक बार प्लीज गाइड कर दीजिए आपके कोर्स के अलावा क्या क्या पढ़ें अच्छा ई एस मतलब ए सी के लिए गाइड कर देंगे कोई दिक्कत नहीं है बहुत सिंपल सी बात है एक वीडियो बल्कि हम बना देंगे है ना अच्छा ई एस होगा इन्वायरमेंटल साइंस की बात कर रहे हो ठीक है उसके लिए अगर उसके लिए इन्वायरमेंटल साइंस के लिए अगर तुमको थोड़ा जानना है तो मृगांग सर से पूछो तो ज़्यादा बढ़िया है ठीक है मृगांग सर बहुत एक्सपीरियंस होल्ड कर रहे हैं इन्वायरमेंट के अंदर उनने बल्कि खुद भी इन्वायरमेंटल साइंस का पेपर दे रखा है ठीक है तो वो तुमको ज़्यादा अच्छा बता पाएंगे मृगांग सर को तो जान ही रहे हो तुम लोग है ना अपने चैनल पर मृगांग सर हैं अनुरुद्ध सर हैं क्षित सर हैं अभी क्रैश कोर्स इसका कैसा चला है तो छत्तीस सर का चल रहा है शाम को है ना सुबह किसका चल रहा है सुबह शायद ऐश्वर्य सर का चल रहा है आर सी सी तीन क्लास चलती है तुम लोग की हाइड्रोलॉजी का ही पार्ट है तो हाइड्रोलॉजी का पार्ट है हम तो लोग बता देंगे कोई दिक्कत नहीं तुम तो हाइड्रोलॉजी का सिलेबस हमको भेजो एक इस क्रैश कोर्स से सारा हो जाएगा हमारे हिसाब से वरना भेजना अगर कुछ नया होगा तो हम देख के बताते हैं चलो बाकी लोग उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हाँ भाई आंसर आया रूट जोन डेप्थ पॉइंट एट मीटर है ठीक है सर फील्ड कैपेसिटी तीस पर सॉइल की डेंसिटी दी गई है कंजम्पटिव यूज दिया गया है एंड ओनली सिक्सटी परसेंट अवेलेबल है तो सबसे पहले हम फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो बहुत वाटरिंग इंटरवल पूछा गया एक तरह से तो पहले डेप्थ ऑफ रेडली अवेलेबल मशन निकालेंगे है ना पहले डेप्थ ऑफ रेडली अवेलेबल मशन निकालेंगे निकल पा रहा है कि नहीं भैया क्वेश्चन सॉल्व करो फटाफट हम यहाँ पे डेप्थ ऑफ रेडली अवेलेबल मॉइस्चर निकालेंगे वेरी सिंपल लगाया फॉर्मूला सर सीधे कितना आ रहा है बताओ ये तो अवेलेबल हो गया इसका सिक्सटी परसेंट बोला इन्होंने देखो इस क्वेश्चन के अंदर सेवेंटी परसेंट नहीं है थोड़ा चेंज कर दिया है इन्होंने इन्होंने यहाँ पे थोड़ा चेंज कर दिया सिक्सटी परसेंट कर दिया है सेवेंटी फाइव की जगह तो हम यहाँ पे सिक्सटी परसेंट रख देंगे ठीक है सिक्सटी परसेंट मतलब पॉइंट सिक्स सॉल्व करेंगे गामा डी कितना आ रहा है दिया गया है 1.5 ग्राम पर सीसी सी गामा डब्ल्यू हम सेम यूनिट में ही रख देंगे वेरी सिंपल डेप्थ ऑफ रूट जोन रख देंगे कितना हम लोग जीरो मीटर जीरो मीटर एफ कितना, 30%. कितना है सर मेरा तीस परसेंट परमानेंट बिल्डिंग पॉइंट कितना है हमारा पंद्रह परसेंट ठीक है सिंपल हो गया ये इन टू पॉइंट सिक्स कितना आएगा बताओ भाई कितना आ रहा है कमेंट करो पॉइंट वन जीरो तुम लोग बोल रहे हो तो मान ले रहे हैं ठीक है और फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी हमारी फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला सर आपने आज हमको बता ही दिया कि जो भी डेप्थ ऑफ रेडली लो आए और प्लांट कितना पानी हर दिन पी रहा है ये आपके बर्तन की जगह है है ना इतना ही पानी वहां पे स्टोर हो पा रहा है जो वो प्लांट धीमे धीमे पिएंगे दस दिन में पांच दिन में जितने भी दिन होंगे और हर दिन कितना कंजम्पशन हो रहा है हर दिन कितना कंजम्पटिव यूज़ है तो यहाँ पे हम जीरो पॉइंट ज़ीरो वन जीरो एट को डिवाइड कर देंगे कितना पानी हर दिन पी रहे हैं लोग पाँच एम mm. एम इसको एम एम में कन्वर्ट करो पहले इस मीटर को अगर हम थाउजेंड से इंटू कर देंगे तो हमारा ये एम एम में कन्वर्ट हो जाएगा ठीक है एम एम में और हर दिन कितना पानी पी रहे हैं प्लांट हमारा पाँच एम mm एम प्रतिदिन तो ये आ जाएगा इक्कीस पॉइंट सिक्स है ना सही कैलकुलेट किया नहीं हमने इक्कीस पॉइंट आएगा ये तो अब इक्कीस पॉइंट छः को हम राउंड ऑफ कर सकते हैं या तो इक्कीस या तो बाईस दो रस्ते हैं सर अपने पास या तो इक्कीस राउंड ऑफ कर देंगे या तो बाईस राउंड ऑफ कर देंगे आज ही आपने पूरी साइंस हमको बताई है क्या करेंगे राउंड ऑफ बताओ हुँ? छोटे की तरफ राउंड ऑफ करते हैं ताकि हम सेफ लिमिट को क्रॉस ना कर जाएँ तो इसमें नियरेस्ट ऑप्शन हमारा वैसे भी तुम नहीं भी ये पता होता तब भी तुम इक्कीस ही चूज करते हैं यहाँ पे ठीक है सिंपल आसानी समझ में आ गया कोई दिक्कत नहीं चलो बढ़ा जाए आगे अगला सवाल देखो हम पांच छह क्वेश्चन तुमको करा दे रहे हैं ये सब तुम्हारे लिए मतलब समझ लो गेट के लिए एकदम रामबाण साबित होंगे ठीक है मन लगा के करो एकदम ध्यान से पढ़ना है ठीक चलो बताओ अगला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं हमारे यहाँ पे अब इस क्वेश्चन के अंदर बात यहाँ पे आ रही है कि चीजें दी गई हैं यहाँ पे सब कुछ वही सब है ना नेट इरीगेशन रिक्वायरमेंट पूछी है यहाँ पे तुमको इरीगेशन रिक्वायरमेंट अभी उन्हें पढ़ा ही नहीं है वैसे समझ जाओ बड़ा काम नहीं है ठीक है <coughs> चलो नेट इरीगेशन कहीं भाड़ में पहले हम लोग अपना सिंपल पर मीटर डेप्थ ऑफ क्रॉप पर मीटर डेप्थ ऑफ क्रॉप मतलब क्रॉप की रूट जोन डेप्थ दी गई यहाँ कितनी वन मीटर चलो निकालो डेप्थ ऑफ अवेलेबल निकालो पहले यहाँ पे बहुत सिंपल क्वेश्चन है यहाँ पे फटाक से आंसर बताएंगे सब लोग बहुत ही सिंपल सा आंसर है यहाँ पे कुछ भी इसमें नहीं करना है हम लोग को हम यहाँ पे सिंपल सबसे पहले डेप्थ ऑफ रेडली अवेलेबल मशन निकालेंगे देखो ये इतना इंपॉर्टेंट है तुम समझ लो कितना इंपॉर्टेंट है हर क्वेश्चन में यही हर क्वेश्चन में हर जगह यही फार्मूला बार बार लग रहा है बहुत इंपॉर्टेंट तभी तुमको हमने बताया और इससे क्वेश्चन ये सब गेट के क्वेश्चन है जो तुमको हम करा रहे हैं ये सब गेट में आए हुए हैं ठीक है एक हाथ छोड़ दो जो हमने खुद से बनाए हुए हैं पहला वाला क्वेश्चन छोड़ दो बाकी सब गेट में आए हुए हैं ठीक है बस फॉमुला लगा दीजिए सर सिंपल गामा डी अपॉन गामा डब्ल्यू इंटू डी एफ सी माइनस पी डब्ल्यू पी आज तो फॉमूला सर याद हो ही है इंटू कितना सेवेंटी फाइव परसेंट कितना ये बोल रहे हैं कि कितना पानी अलाउबल हम डिप्लीट कर सकते हैं कम कर सकते हैं सेवेंटी फाइव नहीं मात्र फिफ्टी परसेंट एवेलेबल का फिफ्टी परसेंट कम कर सकते हैं यहाँ हम्म hmm. बिल्कुल सही अवेलेबल का सिर्फ फिफ्टी परसेंट कम कर सकते हैं तो हम लोग यहाँ पे फिफ्टी परसेंट रख देंगे सॉल्व करा ये पंद्रह सौ के जी पर मीटर क्यूब सभी लोग सेवेंटी फाइव निकाल रहे हैं आंसर हैं चलो बहुत अच्छी बात है डेप्थ ऑफ रूट वन मीटर तुमने रख ही दिया है एफ सी कितना बीस दस है बीस दस पॉइंट फाइव तुम बता रहे हो ये पॉइंट सेवन फाइव मीटर आ रहा है सब लोग बता रहे हैं पॉइंट सेवन फाइव मीटर सेंटीमीटर में कितना हो जाएगा सेंटीमीटर पचहत्तर सेंटीमीटर ठीक है तो कंजम्पटिव इरीगेशन रिक्वायरमेंट हमारी कितनी होगी टोटल सेवन कंजम्पटिव इरीगेशन रिक्वायरमेंट मतलब कि हमारी जड़ों को कितना पानी चाहिए है ना जड़ों कितना चाहिए यहाँ पे हाँ जड़ों कितना चाहिए पॉइंट ज़ीरो एक सेकेंड क्वेश्चन तुम लोग कह रहे हो जीरो पॉइंट ज़ीरो सेवन फाइव आ रहा है अच्छा जीरो पॉइंट ज़ीरो सेवन फाइव आ रहा है तो थोड़ा सा क्वेश्चन कुछ गड़बड़ है यहाँ पे इसको तो हम लोग सही कर लेते हैं अगर ये जीरो पॉइंट जीरो सेवन फाइव आ रहा है मीटर में मान लो गलती से तो ये सब तुम एम में कन्वर्ट कर दो ठीक है ये एम में कर दो सारे ऑप्शन और ये भी एम में कर दो ठीक एम में कर दो सेंटीमीटर फिर नहीं रहेगा तो ये हमारा हो जाएगा अब थाउजेंड इंटू करेंगे तो सेवेंटी फाइव एम हो जाएगा ठीक है मतलब कंजम्पटिव इरीगेशन रिक्वायरमेंट हमारी हो जाएगी पचहत्तर एम mm. हाँ सही कह रो सेवेंटी फाइव एम आएगा ये ठीक है हाँ अब अब सही है अब ठीक है चलो सही कमेंट तुम लोग चलो कमेंट से बढ़िया पता चलता रहता है तुम ही लोग पहले सेवेंटी फाइव बोले थे चलो ठीक है फिलहाल ये हो गया अब यहाँ पे पूछ रहा है देखो इसमें टोटल पानी इनको पिछहत्तर चाहिए पच्चीस बारिश से मिल जा रहा है पच्चीस ये बारिश से मिल जा रहा है तो हमारी नेट इरीगेशन रिक्वायरमेंट जो हो जाएगी वो होती है कंजम्पटिव इगेशन माइनस इफेक्टिव वेनफॉल आप पिछहत्तर एम एम उसको पुटोल चाहिए पीने के लिए है ना लेकिन पच्चीस एम एम बारिश से मिल गया पच्चीस एम mm अगर उसको नेचुरली बारिश से मिल जा रहा है तो आपको सिंचाई कितनी करनी पड़ेगी सिंचाई कितनी करनी पड़ेगी बताओ अगर उसको है ना पच्चीस एम एम बारिश से मिल जा रहा है तो सिंचाई करनी पड़ेगी हमको सिर्फ कितनी पचास एम एम ठीक है तो पचास एम एम यहाँ पर बी ऑप्शन टिक करेंगे हम लोग सी नहीं कर देंगे जल्दी से ये थोड़ी नई चीज़ है ठीक है और एक चीज़ और सुनो नेट इरीगेशन रिक्वायरमेंट तो ये है जो हमारी जड़ यूज़ करेंगी बारिश के अलावा लेकिन हम बताओ फील्ड में जो अप्लाई करेंगे जो फील्ड में अप्लाई करेंगे वो इससे भी क्या होगा वो नेट इरीगेशन जो फील्ड की इरीगेशन रिक्वायरमेंट होगी जो फील्ड की इरीगेशन रिक्वायरमेंट होगी वो नेट इरीगेशन रिक्वायरमेंट से क्या होगी बताओ कमेंट करो वो इससे भी ज़्यादा होगी कि नहीं होगी ठीक है बिल्कुल सही फील्ड इरीगेशन रिक्वायरमेंट हमारी नेट इरीगे रिक्वायरमेंट से भी ज़्यादा होगी क्योंकि कुछ पानी हम फील्ड अप्लाई करेंगे कुछ लॉस हो जाएगा जो बचेगा वही जड़ ले पाएंगे और कंजम्पटिव इरीगेशन रिक्वायरमेंट उससे भी कम होगी क्योंकि थोड़ी बारिश से पानी मिल जाता है क्योंकि थोड़ा पानी थोड़ा पानी बारिश से मिल जाता है ठीक है तो ये तुम याद रखना अभी वैसे हम ये सारी रिक्वायरमेंट्स सा आगे वैसे बताएंगे तो उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है है ना हाँ एफिशिएंसी के बेसिस पे है सिंपल ठीक है एक बच्चा पूछा डेप्थ को वन कैसे लिया बेटा अभी तुम सो रहे थे अभी बताए देते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है पर मीटर डेप्थ ऑफ क्रॉप सारी कैलकुलेशन पर मीटर के लिए करो वन मीटर के लिए ठीक है क्रॉप की डेप्थ मतलब रूट जोन की डेप्थ वन मीटर मान लो ठीक आसान है चलो अगला सवाल ये आखिरी मान लो आखिरी न्यूमेरिकल है आज का इसको आज का आखिरी न्यूमेरिकल लेंगे हम लोग और फिर हम लोग ठीक उसके बाद फिर हम लोग एक थ्योरिकल क्वेश्चन और फिर हम लोग बंद करेंगे ठीक है तो इन अ कल्टीवेटेड एरिया पोरोसिटी ऑफ ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थोड़ा टफ भी है क्योंकि इसमें तुम गामा डी और गामा डलू नहीं दिया गया है ध्यान से देखना जरा ये बढ़िया क्वेश्चन है गेट में आया हुआ क्वेश्चन है ये चलो ध्यान देंगे सभी लोग आज का आखिरी क्वेश्चन इन अ कल्टिवेटेड एरिया दॉइल हैज पोरोसिटी दी गई है अब निकालो भाई आंसर पोरोसिटी दिया है लील्ड कैपेसिटी दिया गया है रूट जोन की डेप्थ दी गई है कितनी एक मीटर परमानेंट बिल्डिंग पॉइंट सर दिया है दस मीटर ये भी खोपड़ी में बात चली गई कंजम्पटिव यूज़ फिफ्टीन एम पर डे दिया है बहुत कुछ दे दिया सर इस क्वेश्चन में साठ परसेंट इरीगेशन एजेंसी दी गई है फ्रीक्वेंसी ऑफ इरीगेशन हमको बतानी है और यहाँ पे जो फिफ्टी परसेंट है वो परमिसिबल डिप्लीशन है मतलब पचास परसेंट से ज़्यादा हम अवेलेबल मॉइस्चर का यूज़ नहीं कर सकते बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं इसमें ठीक है फिफ्टी ऑफ मैक्सिमम अवेलेबल मॉइस्चर से ज़्यादा हम लोग यूज़ नहीं कर सकते तो देखो हम लोग को फिर से भाई वाटरिंग इंटरवल निकालना है तो वो तो चलो ठीक है निकल जाएगा सबसे ले निकालो डेप्थ ऑफ रेडली अवेलेबल मॉइस्चर उसके अलावा कुछ करना नहीं होता हर बार भाई ठीक है तो पहले तो वही निकलेगा अपना लगाया फार्मूला बताओ कितना आ रहा है तुम लोग fc माइनस pwp ंटू कितना है कितना परसेंट साठ नहीं पचास पचास से ज़्यादा नीचे नहीं जा सकते ठीक है फिफ्टी से नीचे नहीं जा सकते रखा हमने सब गामा डी कितना दिया गया भैया गामा डी अच्छा गामा डी अपन गावड़ दिया ही नहीं यहाँ पे यही तो चीज़ है अभी तुमको आज हमने एक बात बताई गामा डी और डी यहाँ पे नहीं दिया गया है हमने तुमको एक फॉर्मुला पढ़ाया था पीछे सब लोग अब ध्यान देंगे थोड़ा सा एक फॉर्मुला तुमको आ जाने बताया था पीछे कहाँ गया ये देखो यहाँ पे एक नोट डाल के फॉर्म लिखा हुआ है कि जब तुमको गावाडी गावाडी वालू ना दें तो तुम गामा डी निकाल सकते हो वैसे ठीक है लेकिन इसको तुम सेचुरेशन वाटर कंटेंट मानोगे ठीक है फील्ड कैपेसिटी और सैचुरेशन कैपेसिटी एक ही पे है हम ये मान के चल रहे हैं अभी ठीक है तो जब तुमको सैचुरेशन वाटर कंटेंट देते हो गामा डी तुम्हारा निकल के आ जाता है ठीक है तो तुमको पता ही है कैसे निकलता है पहले पोरोसिटी से तुम सॉयल के कॉन्सेप्ट है बेसिकली तुम सीधे चाहो तो ये याद कर सकते हो कि गामा डब्लू गामा डी डीपॉन गाउंडो लिखी हम पोरोसिटी अपॉन फील्ड वैसी रख सकते हैं इसको यहाँ पे लगाएंगे अप्लाई करेंगे अब निकालो गामा डीपॉन गाउंडो लिख लीजिएगा हम पोरोसिटी अपॉन फील्ड वैसी रख सकते हैं ये मान के चल रहे कि फील्ड कैपेसिटी और सचुर कैपेसिटी सेम है एक अजम्पशन है यहाँ पे ठीक है हम यहाँ मान के चलें कि फील्ड कैपेसिटी में सारे वॉइड्स सेचुरेटेड हैं ये अजम्पशन माना गया है यहाँ पे बस डिलीट करो खाली स्लाइड बीच में आ गई है कुछ आ तो आप इधर तो ये ये कह रहे हैं सर हमने किया कि फील्ड कैपेसिटी एट फील्ड कैपेसिटी ऑल वॉइड्स आर ऑल वॉइड्स आर सेचुरेटेड ये अज्यूम किया क्वेश्चन ताकि थोड़ा आसान हो जाए और ये एक तरह से फील्ड कैपेसिटी नहीं सैचुरेशन कैपेसिटी दी गई है ऐसा मान के चल रहे हैं हम लोग ठीक है तो हम यहाँ पे क्या रख देंगे फॉर्मला अपना है पोरोसिटी अपॉन फील्ड कैपेसिटी रख देंगे इसकी जगह ये एक नई चीज़ है जो हमको याद करनी है ठीक है क्लियर मामला बस अब चलो अभी पूरा लिख देते हैं फिर हम पुट कर देंगे वैल्यूज बताओ कितना आ रहा है फिर सॉल्व करने पर इसको सर हमारी जो पोरोसिटी दी गई है फोर्टी फाइव परसेंट है फील्ड कैपेसिटी थर्टी एट परसेंट है डेप्थ ऑफ रूट जोन कितनी दी गई है एक मीटर दिया गया है वो तो वही है फील्ड कैपेसिटी कितनी है सर अड़तीस परसेंट परमानेंट बिल्डिंग पॉइंट कितना है परमानेंट विल्डिंग पॉइंट कितना है दस परसेंट ठीक है तो ये हमारा आ गया कितना कितना आगे बताओ यार कितना आ रहा है कमेंट कर दो ज़रा वन सिक्सटी फाइव पॉइंट सेवन एट बता रहे हो तुम पॉइंट वन सिक्स फाइव आ रहा है लगभग लगभग ठीक है पॉइंट वन सिक्स फाइव मीटर आ रहा है एम में तुम्हारा एम mm में कर लो एम mm में हो जाएगा वन सिक्सटी फाइव समथिंग एम हो जाएगा लगभग लगभग ठीक है कैलकुलेटर तुमको तो और एग्जैक्ट मिल जाएगा अब फ्रीकवेंसी निकालनी है तो बहुत आराम से हम फ्रिकवेंसी को हम लगा देंगे जो कि आज हम तीसरी बार निकालने जा रहे हैं तो हमारे सारे क्वेश्चन यहाँ पे मजबूत हो जाएंगे एकदम बढ़िया से ठीक है डिवाइडेड बाय क्या कर देंगे यहाँ पे क्या नाम है डिवाइडेड बाय हाँ कंजम्पटिव यूज़ पर डे दिमाग एकदम से कहीं और चला गया कोई बात नहीं वापस आ जाते हैं हाँ ये वन सिक्सटी फाइव एम और हर दिन कितना पानी कंज्यूम हो रहा है सर हर दिन कहाँ लिखा है पंद्रह एम एम हर दिन जो है पंद्रह एम एम पानी कंज्यूम हो रहा है ठीक है हर दिन पंद्रह एम एम पानी यहाँ पे कंज्यूम हो रहा है हमने यहाँ पे इससे डिवाइड कर दिया कितना आ गया ग्यारह दिन ग्यारह दिन आंसर हो जाएगा बात खत्म आंसर डन ठीक है एक सवाल यहाँ पर मन में आएगा कि इरिगेशन की एफिशंसी सिक्सटी परसेंट दी गई है है ना अगर हम इरिगेशन की एफिशियंसी के हिसाब से लें थोड़ा तो ध्यान सुनना जरा बात हमारी है ना तो दिमाग में सवाल आ रहा होगा गेट का एक क्वेश्चन है इसलिए हम लोग बता रहे हैं अब इरीगेशन की एफिशियंसी अगर हम देखें तो हमको उस हिसाब से डेप्थ ऑफ वाटर जो अप्लाई करनी चाहिए वो हो जाएगी वन सिक्सटी फाइव अपॉन इरीगेशन एफिशेंसी जो कि सिक्सटी परसेंट दी गई है ना तो उस हिसाब से जो पानी में अप्लाई करना चाहिए यहाँ पे ये बताओ कितना आ रहा है इसको सॉल्व करके लिखो लिखो कितना आ रहा है जरा एक बार लिखो जरा फटा फटाफट कुछ ज़्यादा आएगा कुछ वन सिक्सटी फाइव से ज़्यादा ही आएगा ऑब्वियसली क्योंकि वन सिक्सटी फाइव आपको चाहिए तो आप अप्लाई तो ज़्यादा ही करेंगे साठ परसेंट वन सिक्सटी फाइव है जो सिक्सटी परसेंट जो बच रहा है वो वन सिक्सटी फाइव अप्लाई तो आपको और ज़्यादा चालीस परसेंट ज़्यादा ही करना पड़ेगा ठीक है तो अब वो एक बड़ा नंबर होगा जैसे तुम लोग बता रहे हो कितना आ रहा है दो सौ पिछहत्तर बता रहे हो तुम लोग आ रहा है ठीक है मतलब अप्लाई एक्चुअल में दो सौ पिछहत्तर करना पड़ेगा लेकिन उस दो सौ पिचहत्तर बचेगा सिर्फ एक सौ पैंसठ बचा हुआ सारा माइनस करके एक सौ दस आएगा लगभग माइनस करके वो आपका लॉस हो गया तो अगर हम इससे डिवाइड करें अगर हम इससे हम डिवाइड करते हैं ठीक है सुनो किसको ये पंद्रह को तब तो आंसर ग्यारह से ज़्यादा आएगा जो कि ऑप्शन नहीं होगा है ना अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये तुम्हारा पंद्रह लगभग लगभग कितना पंद्रह सोलह सत्रह के आसपास जाएगा ठीक है सत्रह पॉइंट या सत्रह अठारह दिन के आसपास जाएगा तो वो तो ऑप्शन में नहीं है और दूसरी चीज़ तुम जब फ्रीक्वेंसी निकालोगे तो तुमको यहाँ पे फील्ड इरीगेशन रिक्वायरमेंट नहीं चाहिए तुम एग्जैक्टली जो नेट इरीगेशन रिक्वायरमेंट है जो डेप्थ हमारी रिक्वायर्ड है कि एक सौ पैंसठ एम पानी हम ये मान के चल चलने जो बचा वहाँ पे हमसे ये नहीं पूछा गया है क्वेश्चन के अंदर कि हम फील्ड में कितना अप्लाई करें ध्यान समझो गेट का क्वेश्चन है बेटा ये हमसे ये नहीं पूछा गया कि हम फील्ड में, कि में कितना अप्लाई करें अगर हमसे पूछता कि फील्ड में कितना अप्लाई किए तो हम तो बोल देंगे सर दो सौ पचहत्तर एम अगर हमसे पूछता कितनी वॉल्यूम अप्लाई करेंगे तो हम दो सौ पिछहत्तर एम जो डेप्थ है उसको अपने फील्ड के एरिया से इंटू कर देते हमसे पूछा ही नहीं है हमसे पूछा है कि हमने दो अप्लाई किया उसमें से साठ बचा है एक बचा एक, बचा एक तो वो एक जो बचा है वो प्लांट कितने दिन में खत्म करेगा अगर वो पंद्रह में रोज पी रहा है तो वो ग्यारह दिन ही आएगा हमसे यहाँ क्वेश्चन पूछा ही नहीं है कि कितना पानी एक्चुअली में अप्लाई करें फील्ड में ये पूछ ही नहीं रहा है क्वेश्चन बात समझे कि नहीं ठीक है तो कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है कंफ्यूज नहीं होंगे हमसे क्योंकि ये पूछ ही नहीं फील्ड में अप्लाई करें ये बोल रहा है कि फील्ड में अप्लाई करने का जो बच गया है जो हमारी जड़ पियेंगी हर दिन उस हिसाब से कितने दिन में हमको दोबारा पानी डालना पड़ेगा ठीक है लेकिन हाँ तुमको ये पता है कि एक्चुअली तुम यहाँ पे दो सौ पचहत्तर में पानी डालोगे जिसमें से बचेगा एक सौ पैसठ हर ग्यारहवें दिन बाद हर ग्यारह दिन में आके हम यहाँ पे एक्चुअल में दो सौ पचहत्तर में पाएं डालेंगे जिसमें से चालीस परसेंट लॉस हो जाएगा जो कि एक सौ दसवें में है बचेगा इतना जो कि ग्यारह दिन में ख़त्म हो जाएगा ठीक है तो ग्यारह दिन ही हमारी फ्रिक्वेंसी आएगी हमसे ये पूछा ही नहीं है ठीक है लेकिन तुम समझ पूरा गए हो एक्चुअल में अगर तुमसे पूछा जाए कि कितना अप्लाई किया हमने तो वो तुमको पता होना चाहिए वो हमने टू सेवेंटी फाइव अप्लाई किया एक्चुअल में ठीक है क्लियर ठीक है भाई चलो तो अट्ठारह दिन यहाँ पे आंसर नहीं होगा हम यहाँ पे उसको डिवाइड नहीं करेंगे ठीक चलो फिर एंड करते हैं यहाँ पे हम लोग और उम्मीद करेंगे तुमको यहाँ पे सब कुछ बढ़िया तरीके से समझ में आ गया और यहाँ पे इरिगेशन की एफिशिएंसी का कोई यूज़ नहीं है एग्ज़ाम में कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है एक लास्ट क्वेश्चन बता दो एंड करने से पहले ठीक है यहाँ पूछ रहे ट्रिकल इरीगेशन के अंदर कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है ट्रिकल मतलब ड्रिप इरीगेशन जो हमारा होता है लास्ट हम लोग ने कल मेथड देखा था देखें कल तुमको कितना याद है एक क्वेश्चन वो भी देख लेते हैं हम लोग बस ये लास्ट क्वेश्चन है फिर फिर छुट्टी छुट्टी ठीक है तो बढ़िया से कल कल मिलते हैं हम लोग भी क्लास होगी अच्छा एक और चीज कल हम लोग का वो अभ्यास बैच भी है अभ्यास वाला सेशन है जिसके अंदर इरिगेशन तीन घंटे तो तुमको इरिएशन के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराएंगे देखो जिन्होंने अभी जिन्होंने कभी इरिशन नहीं पढ़ाया तो चलो वो लोग यहाँ तक के क्वेश्चन अप्लाई पढ़ लेंगे हमसे ठीक है और जिन्होंने इरीगेसन पहले थोड़ा बहुत पढ़ रखा है थोड़ा बहुत आइडिया है तो उनको डैम वैम जो भी तुम बता रहे हो वो सारे क्वेश्चन हम उसके अंदर करा देंगे कल लगभग चालीस से पैंतालीस क्वेश्चन में चूज़ किए हैं जो तुमको कल हम दोपहर में दो से पाँच बजे तक बढ़िया से पढ़ाएंगे ठीक है दो से पाँच कल मिलेंगे दोपहर में और शाम को जो नौ से ग्यारह क्लास चल रही रात में वो अपनी चलती रहेगी नॉर्मल ठीक है भाई हाँ तो इसका आंसर तुम लोग क्या बता रहे हो डी और सी का चुनाव हो रहा है बहुत ज़्यादा तो डीप परकुलेशन एंड रन ऑफ आर प्रैक्टिकली लिमिटेड सही बात है क्योंकि आप जब जड़ों में डायरेक्टली पानी देते हैं बूंद बूंद करके तो ये तो एलिमिनेट हो जाता है सही बात है वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी इज़ वेरी हाई बिल्कुल बल्कि सबसे ज़्यादा है बल्कि सबसे ज़्यादा है ई वेपो ट्रांसमेशन इज प्रैक्टिकल एलिमिनेटेड बिल्कुल गलत बात ऐसा कैसे हो सकता है यार ई वैपो ट्रांसमेशन नहीं होगा तो हमारी पेड़ बड़े कैसे होंगे ई वैपो ट्रांसफ्रेशन ही कंजम्पटिव यूज़ है जिसकी वजह से हमारा पेड़ जो है ग्रो करता है और उसके टिश्यू बिल्ड होते हैं है, है ना और लास्ट बोल रहा है कि फर्टिलाइजर कैन बी अप्लाइड इकोनॉमिकली अलॉन्ग विद इरीगेशन वाटर बिल्कुल सही है हम उस पानी तुमको बताया था हमने कि उस पानी में फर्टिलाइजर को घोल के पोटासियम मिला के अच्छे से फील्ड में सीधे से अप्लाई कर देते हैं बूंद बूंद करके सी ऑप्शन गलत है सी ऑप्शन नॉट करेक्ट है नॉट करेक्ट पूछा है देखे रहना एग्जाम में ये होता है तुम करेक्ट करके चले आए आजकल एम एस क्यू आएगा एम एस क्यू में क्या है कि तुमको दो तीन ऑप्शन सेट करने पड़ेंगे नॉट करेक्ट बोलेगा और तुम सही सही चुन के चले जाओगे वहां नॉट पढ़ना भूल जाओगे तो इसे मत करना आज की टिप यही है आज की टिप यही है क्वेश्चन जब हम पढ़ेंगे हम जब एग्ज़ाम में गेट क्वेश्चन गेट क्वेश्चन पढ़ते थे हमसे टेस्ट में बहुत गलतियाँ होती थी है ना आज टिप भी तो देनी है टिप सुनो अब रोज़ सुन लोग टिप टिप करते रहते हो तो गेट के पेपर जब हम देते थे हमारे साथ प्रॉब्लम क्या थी कि क्वेश्चन गलत बहुत होता है सिली मिस्टेक आती आती चीज़ें एकदम से गलत होती एकदम से हमारा दिमाग ख़राब हो जाता था, था एकदम हम के बताओ ये तो सब आता था तब भी एकदम छोटी छोटी लॉलीपॉप हो जाती हैं तो फिर हमने एक ट्रिक बनाई मतलब अपने लिए हमने दो तीन चीज़ों का बहुत ध्यान दिया पहले तो एक सवाल हम अपने से पूछते थे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है है ना कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग हमेशा डेप्थ ऑफ रेड मॉइस्चर मॉस्चर रेडलीवल मॉइस्चर हर बार रेडली लेवल मॉइस्चर निकाल के आए हैं प्रैक्टिस में तो वहाँ पे गेट में क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमसे कोई मतलब हम डेप्थ ऑफ रेड लेवल मॉइस्चर तो निकाल देंगे क्योंकि रटा रटा है क्वेश्चन टाइप का आ गया एक गलती ये होती थी दो तीन गलतियाँ हम निकाली तीन चीज़ें हम करते हैं तुमको बता दे रहे हैं वो तुम भी करना बहुत फ़ायदा मिलेगा ठीक है ये बहुत बड़ी टिप है बेटा आज हाँ सुनो पहला चीज जब तुम क्वेश्चन सॉल्व करो तो आंसर निकालने के लिए देखो कि पूछा क्या है वही निकाला है कि नहीं जो पूछ रहा है वही निकाला है कुछ और निकाल दिया है ठीक है कभी कभी होता है ऐसा और यूनिट नोट्स की मैच कर लो दूसरी चीज़ क्वेश्चन को एक बार थोड़ा रीडिंग दोबारा दो ध्यान से एक बार फिर से ध्यान से पढ़ो ठीक है उसमें तुमको कुछ चीज़ें मिल जाएंगी जैसे नॉट मिलेगा यही चीज़ जो तुमको अभी हम बताइए यहाँ पे लिखा है नॉट करेक्ट वाला ठीक है क्वेश्चन को फिर से ध्यान से पढ़ो कि इनकरेक्ट तो नहीं लिखा हुआ है उसमें कुछ टर्म ढूंढो जो तुमसे मिस हो सकते हैं एक बार ध्यान से तुम्हें देखना पड़ेगा ठीक है इसको करने में मुश्किल से दस सेकेंड और लगेंगे मुश्किल से लेकिन वो क्वेश्चन तुम्हारा एक्यूरेटली एकदम सही हो जाएगा तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है कि उसमें कहीं नॉट या करेक्ट की जगह इनकरेक्ट तो नहीं पूछ रहे हैं ठीक है कहीं गलती से हमारा क्वेश्चन गलत ना हो जाए ये सब चीज़ें चेक करनी पड़ती फिर एक बार और चेक कर लो कि हमने आंसर जो निकाला है वही भर रहे हैं कि नहीं पॉइंट वॉइट सही से लगा हुआ है कि नहीं क्योंकि दो दो नंबर की बात होती है वहीं से रैंक बननी है तो वो चीज़ जो भर रहे हैं वो एकदम सही होनी चाहिए ठीक है तो एग्जैक्टली क्वेश्चन क्या पूछ रहा है फिर उसके बाद हमने उसकी क्या नाम है यूनिट वगैरह सब चेक कर लिए डेसिमल वगैरह चेक कर लिए और कहीं ये छोटे छोटे शब्द कुछ गड़बड़ ना कर दें नॉट करेक्ट इन करेक्ट ये तीन चेक तो जरूर लगाया करो इसके बाद भी गलतियाँ होती हैं ठीक है इसके बाद तो फिर टॉपिक वाइज तुम्हारी एरर होंगी वो तुम धीमे धीमे एनालाइज कर लोगे जैसे फाउंडेशन के अंदर चैलो फाउंडेशन पर तो पचास तरह की चीज़ें कभी फाउंडेशन सर्फेस आ जाती है कभी सॉइल टाइप चेंज हो जाता है तो कुछ ना कुछ मिस हो जाती है चीज़ें तो उसकी ट्रिक अलग से बनाई है ना तो इस तरह से धीमे धीमे तुम लोग इवॉल्व करोगे चलो भाई ठीक है बहुत बढ़िया चलो हम नोट्स भेज देंगे टेंशन मत लो ठीक है वरना तुमको ऐप में भी नोट्स मिल जाएंगे चलो टेक केयर गुड नाइट हम लोग मिलते हैं अब कल दो क्लास हैं दो से पाँच एक तो हम लोग इरीगेशन की अभ्यास से लेके जिसमें हम लोग क्वेश्चन करेंगे के सारे तीन घंटे के अंदर सारे और आ, क्या नाम है और शाम को नौ से ग्यारह तुम्हारी ये क्लास चलेगी ठीक है टेक केयर एवन